पहला आक्रमणकारी सुल्तान महमूद गजनवी। भैया पहला क्यों कह रहे हो, 17 हमले किए हैं इसने, 17 हमले, पहले से 17 स्थान तक यही बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा 17 हमले सोमनाथ वाला। उसका चलो जिक्र नहीं करते हैं, हारने वाली बातें क्यों डाले अपने इस यारनाथ बैठक में। बात तो सही बिल्कुल है। और आक्रमणकारियों के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं, पर भाई जी महमूद गजनवी का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अच्छा हुआ यूं कि उसके दरबार में एक शायर था फिरदौसी। अच्छा शायर भी होते थे दरबारों में? कमाल आप, आपको बड़े बड़े शायर और ऐसी भारी भारी तनख्वाहें मिलती। मैंने तो सोचा फायर ही होते हैं दरबारों में, फायर ठाए 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 आजकल जैसे देखने को मिलता है, शायर भी होते थे ना। वाह, माने में ठाए फायर नहीं शायर होते थे। तो अब उसके दरबार में फिरदौसी था, उसने क्या किया कि फिरदौसी को 60,000 अशर्फी के ऊपर कमीशन किया कि भाई तुम हमारी जरा बादशाहों का शाहनामा टाइप। तो फिरदौसी ने वो गाथा लिखना शुरू कर दी। तो भैया जब गाथा लिखना शुरू कर दी तो महमूद गजनवी ने उसको पैसा देना बंद कर दिया। अच्छा फिरदौसी भी चालाक शायद, जब उनको पैसा तो लगे फालतू में बादशाहों की गाथा को बढ़ाने और उसमें सांप छचुंदर बिल्ली हर तरह की चीज घुसाने। वैसे आजकल के प्रोड्यूसर पब्लिशर भी तो यही करते हैं, फिल्म लिखवाना शुरू कर दें और पैसा रोकड़ा कुछ भी नहीं देते। अरे भाई जी क्या कर रहे हैं गजब आप भैया। अरे सच तो बोल रहा हूँ यार, अनंत है यहाँ पे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर पब्लिशर आए होंगे देखने के लिए। सच में अगर सुन लेंगे तो हम देंगे लिखने का। ओ कह रहा हूँ आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अच्छा चलो आक्रमणकारी दो, खानदान गौरी। अरे इसकी क्या बात करनी, ये तो गौरी करते रह गए और अगला वंश आ गया। आगे चलते गौर गौर करते रह गए। वाह गौरी से गौर, वाह 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 वाह। ये बात तो सही है। हाँ कुतुब मीनार देख लिया सबने और क्या, ख्वामखा फुटेज दे रहे हैं आक्रमणकारियों को। वैसे भी उर्दू की आखिरी किताब है आजकल, कोई पढ़ता वढ़ता नहीं, किताब पतली होनी चाहिए। बात तो सही है भाई जी। और ये वैसे ये वही खिजली खानदान जो है, तुम अक्सर बात करते हो, पर ये वही है ना पद्मावती वाला? अब वही पद्मावती वाला है क्यों? अरे भैया अभी अभी तो डायरेक्टर बैठा है, क्या चाह रहे हो कि कोई करनी वरनी सेना वेना आके तुम्हारी धुलाई कर दे और मैं देखता रहूं या शोक के गीत गाऊं बाद में? ना 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 भाई जी, मुझे अपना जौहर नहीं कराना है। नहीं नहीं आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर नहीं है। खानदान तुगला। हाँ तुगलक ही दौर, नहीं तो कौन सा दौर है आजकल? आजकल वही तो है। क्या मतलब आजकल? अरे भैया उसने सारे सिक्के मंगवा के नए जारी कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ सोने चांदी के सिक्के रद्द करके तांबे के चला दिए। और क्या किया? अरे और क्या, राजधानी दिल्ली से दक्खन देकर चला गया था। दक्खन? हाँ नागपुर। अरे नाना दौलताबाद पास ही है कहीं उसके। अच्छा उस जमाने में तो भाई जी ये सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, बाबा राम रहीम ये सब बड़ा होता था ना, इस सब पे कुछ चर्चा करें? अरे तभी तो कह रहा हूँ क्या बात करनी उस जमाने की। आगे चलिए दानिश मियां आगे चलिए। ठीक है खानदान लोदी। अबे एक काम तो अच्छा किया, लोदी गार्डन छोड़ गए। लोदी गार्डन दिल्ली वाले तो जानते होंगे, सच सच बताओ लोदी गार्डन में कौन कौन से पंछी दिखते हैं? तुमसे पूछ रहा हूं सबसे, और अगर दिखते हैं तो क्या कर रहे थे, देखने क्या गए थे? हाँ भाई जी ये आपके स्काइप सेशन में ये साहब बहुत हंस रहे हैं, इनके दांत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करते हैं इनसे सीधे सवाल करते हैं। भैया ऐसा कीजिए आप जो है ना एक 140 अक्षरों का निबंध लिखिए चोंच कमेंट लिस्ट में, उसको अपने ट्विटर पर डाल दीजिए, हमें ना सुनाइए। ठीक है भाई जी, खानदान मुगलिया, बाबर बादशाह समरकंद से हिंदुस्तान आया था। पर क्या करने आया था वो, यहाँ पे क्या था? इसलिए के
इसलिए कि वो एक मजाहिया किताब बाबरनामा लिख जाए और एक बाबर की औलाद पे गाली की नींव डाल जाए। हाँ बस बस इतना काफी है इसके लिए। अगला बादशाह हुमायूं। अच्छा हुमायूं पहला दिल्ली का बादशाह था जिसने हमें यह बताया कि बिहारी दिल्ली की हुकूमत आके छीन सकते हैं। अंदाजा लगाओ। एक शख्स शेर शाह सूरी नामी जिला सकना बिहार से आया था और हुमायूं को दिल्ली से खदेड़ भगाया। हुमायूं आजकल के बेगैरत और बेमुर्रवत हुक्मरानों की तरह नहीं था जो तखत हाथ से निकल जाने के बाद मुल्क में ही रहते हैं, यहीं पास में क्या मैं हूं दिल्ली में, जैसा कि उसे करना चाहिए था। उसने बोरिया बिस्तर लपेटा और सिंध जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है उसके जरिए होता ईरान चला गया। हमें उम्मीद है कि हमारे मुल्क के चुनाव हारने वाले हुक्मरान हुमायूं के इस अमल के से इबरत हासिल करेंगे। या हिंद महासागर भी है उसमें गोते भी खा सकते हैं वैसे। भाई जी यानी अच्छा सुझाव है आपका, जो हमारे हारे हुए लीडर्स हैं उनको हुमायूं से कुछ सीखना चाहिए। मैं भी उन्हीं में से हूं। इलेक्शन निकल जाना चाहिए। पर भाई जी आपको मालूम है कि हुमायूं को इल्मे हयात का भी बड़ा शौक था। ओ ये साइंस की होती है, ये होती क्या बला है इल्मे हयात। अच्छा एस्ट्रोनॉमी। ओ तो क्या करता था, छत पे जाकर आसमान में तारे देखता था कि गिनता भी था। हाँ सितारे देखता था खड़ा होकर छत पे। अच्छा गिनता नहीं था। हुआ कि ये गिनता नहीं था, वो सिर्फ देखता था। सिर्फ देखता था, गिनने के लिए फिर और भी लोग चाहिए होते थे ना, इसलिए तो देखता था। एक बेचारा सितारे देखकर नीचे सीढ़ी से उतर रहा था, पैर फिसला। ओ राम राम नाम सत्य है, हो गया ऐसे ही बस देखते देखते। लेकिन मैं कहता हूँ भाई जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये जो बड़बोले बयान देते हैं ना, ये जो साइंस के जिज्ञासु लोग हैं कि चांद पे प्लॉट कट गया और मंगल पे पानी निकल आया और वो पिछले त्रेता युग में फेसबुक में ट्विटर था, इनके साथ भी यही होना चाहिए। ये किसी दिन तारे देखने सीढ़ी पे चढ़े ऊपर पैर फिसले राम नाम से। वैसे ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि ये हुमायूं छत पर खड़ा कौन से सितारे देख रहा था? ये यानी आम सितारे होते हैं या फिल्मी सितारे जैसे होते हैं? वैसे और एक सवाल और मैं, अच्छा सवाल मैं और करता हूँ। जितने भी आपके लोग यहाँ ये वर्चुअल बैठक सीरीज देख रहे हैं, आप लोग साइंस के खिलाफ मिसाल तलाश कीजिए और हमें ना बताइए, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। बा मुलाहिजा होशियार, हिंदुस्तान का बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। वैसे अकबर का मर्तबा इतना बुलंद है भाई जी कि जितने भी लोग यहाँ वर्चुअल सीरीज में बैठे हुए हैं उन सबको उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। अरे उसके मर्तबे को देखकर किसी इतिहास के जिज्ञासु ने ये लिख दिया कि अकबर के रुतबे को देखकर भाई मुसलमान लोगों ने अपनी नमाज में अल्लाह अकबर जुज बना लिया है। पर एक बात है भाई जी, ये जो राजपूत मुसव्विरों की तरह हैं और ये जो अकबर बीरबल की लतीफों की किताबें मिलती हैं रेलवे स्टेशन पे और खास कर के आसिफ साहब की मुगले आजम, इसको देखकर तो यही लगता होगा कि बादशाह अकबर सारे टाइम उखड़ू बैठा, मूछे तरशवाए हैं, गुलाब का फूल सूंघता और ऑनर किलिंग में मसरूफ रहता। क्यों, क्या लगता है आपको? पर इसने एक काम बहुत बड़ा किया, इसने पागल हाथी को काबू में किया था। पर चूंकि फिल्म जोधा अकबर फ्लॉप हो गई इसलिए लोग ज्यादा इस बात के बारे में जानते नहीं है। ये बड़ा बारीक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए फिल्म लगान में, ये जो हिंदुस्तान में लगान वसूल करने का सिस्टम आया है ना, ये बादशाह अकबर ने जारी किया था। पर चूंकि फिल्म लगान हिट हो गई तो लोग समझते हैं ये बादशाह ये अंग्रेजों ने किया है। वैसे अकबर जितना, वैसे किस्मत का तो धनी था ये तो मानना पड़े कि छोटी सी उम्र में ही उसे हुकूमत मिल गई। लाइक नन्ना मुन्ना बच्चा हूं देश का सिपाही, इतना छोटा था वो और प्रिंस चार्ल्स की तरह इंतजार में जिंदगी नहीं गुजारी।
उसका तो, उसकी तो छोटी औलाद तो जनाब छोड़ के चले भी गई कनाडा, समंदर पार। वैसे भी इस जमाने में इतनी लंबी वली अहदी का रिवाज भी नहीं था, लोग बाप को कत्ल करके या गिरफ्तार करके खुद बादशाह बन जाया करते थे। देखिए भाई जी, एक बात है, बादशाह अकबर जो है ना बड़ा जीरक, बड़ा बुद्धिमान बादशाह था, राजनीति और धर्म दोनों को एक साथ लेकर चलता था। नहीं, वैसे आजकल भी यही होता है, लोग धर्म और राजनीति साथ लेकर चलते हैं, पर बादशाह अकबर तो एक कदम आगे निकल गया। उसने वजीर बा तदबीर अबुल फजल की मदद से एक नया मजहबी ईजाद कर दीन-ए-इलाही। हाँ, मजहब का बुनियादी उसूल था चढ़ते सूरज को सलाम करना। अब क्योंकि भाई खुद ही मजहब शुरू किया था, तो पहले खलीफा की जिम्मेदारी भी बादशाह अकबर को खुद ही संभालनी पड़ी। बेशक तुम्हें तो लगा नहीं सकते थे लुंडर, और क्या, जितने ये लुंडर मुंडर दरबारी होते थे सब बादशाह के इर्द गिर्द बैठ जाते थे और बस साहब चापलूसी के पुल बांधना शुरू। हुजूर, आपसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं, आप हमेशा इस मुल्क के बादशाह बने रहे, हमेशा 2024-29 तक नहीं, हमेशा। और साहब उस जमाने में तो लोग ये कहते थे कि आप अपने आप को उस जमाने का भारत रत्न खुद दे दीजिए। खुद ही शुक्रगुजार होना चाहिए अपने लीडर, हाँ हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपने लीडर का कि उसने अपने आप को भारत रत्न अब तक नहीं दिया है, अगर दे दे तो घंटा कुछ कर लेगी यहाँ पे आवाम जो बैठी हुई है, है? कमाल। पर भाई जी एक बात है, बादशाह अकबर के दरबार में बड़े जीरक गुणी लोग होते थे। ये आपने तो नवरत्न की कहानी तो सुनी। हाँ, नवरत्नों में सूरज खान, चांद खान, तानसेन कैसे कैसे बड़े हुए। और ये नवरत्न क्या थे, दरअसल बादशाह के पढ़े लिखे नौकर थे। अब आजकल भी यही होता है, है? वैसे है, वैसे अकबर तो अनपढ़ था पर उसके नौकर जो है पढ़े लिखे थे, क्या बात है। आजकल भी यही होता है, बादशाह ठुंठ जाहिल अनपढ़, लेकिन नौकर उसके पढ़े लिखे, जो उसकी दफा में कॉलम लिखते हैं, इंटरव्यू करते हैं, बड़े बड़े मजामीन लिखते हैं। लेकिन एक बात है, बादशाह अकबर के जो पढ़े लिखे नौकर थे उसमें भाई जी एक से एक हीरे जौहरात सितारे, एक जैसे महाराजा तानसेन। अरे राग दीपक छेड़ दें तो लोगों के दिल में जितने बुझे हुए दिए सब जल जाते थे। अरे मुझे बात याद आई, उसके दरबार में तलवंडी वाले ध्रुपदीय थे, उन्होंने जब दीने इलाही जब बनाया उस दिन एक बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ा, यानी दीवाने आम में, वहां पे दुनिया इकट्ठी थी, सब वाह वाह कर रहे थे, सजे धजे थे लोग, तो उन्होंने ध्रुपद रचा था। मुझे याद आ गया, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है मेरे गाने से, एलर्जी तो नहीं है? अरे भाग खुले कि आपको वो ध्रुपद याद आ गया भाई जी, पर मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ, ना मैं तानसेन का रिश्तेदार हूँ, ना मैं सूरज खान चांद खान का, दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? कोई मसला नहीं है। आप वो देखिए कैसा, जब क्या शानो शौकत थी, वो जनाब बैठे हैं शहंशाह अकबर जी, और वो जी। गाया उन्होंने गीत ताल में, रंग झरलायो जलालुद्दीन, रंग झरलायो जलालुद्दीन, रंग झरलायो जलालुद्दीन, अकबर तांबूर रचियो करदार, रंग झरला खड़ दर्शन को निवास, खड़ दर्शन को निवास, शाह नामन शाह कांचन बार कहत, कीनो तद बेतात लोक जस गावत करत सदरिया पार, रंग झरला यो जलालुद्दीन। क्या बात है, क्या बात है भाई जी, क्या खूबसूरत आगाज किया आपने इस महफिल का। अरे दानिश, सो सो नाइस, इट्स सो वंडरफुल टू हैव यू हियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड हम जरा लोगों कि जो हम अभी कर ये, रहे थे, हाँ बताओ कि हमने किया क्या है, इसके बारे में बताओ। आधा वर्ष है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खैर मकदम किया, आप इस यार अनद वर्चुअल बैठक सीरीज में आए, और भाई बलदीप सिंह जी जो म्यूजिक की इतनी खिदमत कर रहे हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, गुरबानी के इतने बड़े प्रोपोनेंट हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरी मुलाकात भाई जी से कुछ आज से 13-14 साल पहले हुई थी, जब मैं एक परफॉर्मेंस कर रहा था और भाई जी वहाँ मौजूद थे, और तब से बस उन्होंने अपनी श्रद्धा मेरे ऊपर रखी हुई है, हमेशा मोहब्बत से, प्यार से, और वो जो हमारा रिश्ता है उससे तोड़ा नहीं।
तो भाई जी ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि हम आएं इस वर्चुअल बैठक सीरीज में, जो मेरे लिए बड़े एजाज और बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और आप सब जो वर्चुअल बैठक सीरीज यहाँ पे देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो आए हैं और भाई जी के साथ वो जुड़े हैं और उनके जो पुराने ताल्लुकात संबंध हैं वो, मतलब सिर्फ ये ऐसा इस तरह की बैठक नहीं है कि साहब चलिए एक कोई गुमनाम आर्टिस्ट आ गया और उसने बस थोड़ी बातचीत कर ली, लेकिन एक पूरा जो एक सिलसिला है, एक संबंध है म्यूजिक का, घरानों का, भाई जी की खुद जो पर्सनल ताल्लुकात हैं उसका, तो उसके तहत भाई जी ने मुझे यहाँ बुलाया। तो भाई जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, मैं हमने भाई जी की एक तरकीब आई तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जरा ऑडियंस को थोड़ा शॉक करके शुरू करें, और बात हुई कि क्या किया जाए। तो मैंने एक बहुत मशहूर सटायरिस्ट और पोएट हैं इब्ने इंशा साहब, इब्ने इंशा साहब जो हैं उनकी बहुत सारी गीत जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, जैसे आपने सुना होगा ये बातें झूठी बातें हैं, ये बातें लोगों ने फैलाई हैं, या कल शब चौधरी का चांद था, शब भर रहा चर्चा तेरा। तो ये इब्ने इंशा साहब बहुत बड़े सटायरिस्ट भी थे और उन्होंने 1970-71 में एक बहुत ही पतली सी सटिरिकल किताब लिखी थी, उर्दू की आखिरी किताब। बड़ा जर्ब लगा के बता रहे हो, पतली सी बड़ा जर्ब लगाया उर्दू की और वो उन्होंने टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट में लिखा था, तो मतलब उसमें हिस्ट्री का चैप्टर था, मैथ्स का चैप्टर था, ज्योग्राफी का चैप्टर था, मॉरल साइंस का चैप्टर था, लेकिन उन चैप्टरों में हालांकि होती थी हिस्ट्री की, लेकिन आपने नमूना देखा वो किस तरह से बात होती थी, वो बेसिकली एक सटायर था जो करंट सोशल पॉलिटिकल सिनारियो था उस वक्त उसके ऊपर। लेकिन ये दूरंदेशी है इब्ने इंशा साहब की और ये नालायकियत है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की कि 50 साल के बाद भी जो उस किताब में लिखा हुआ है वो रेलिवेंट है। तो मैंने कुछ 3 साल पहले क्या किया कि उस किताब को उठाया और उसको मैंने एक नाटक की शक्ल दे दी, जिस नाटक का नाम है किस्सा उर्दू की आखिरी किताब का, जो हमने पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल होता है उसमें 2017 में इस नाटक का प्रीमियर किया, और तब से हम जगह जगह जहां भी हमें इनविटेशन आता है ये नाटक करते जाते हैं और बहुत मकबूल है ये नाटक, लोगों को बहुत पसंद आता है। तो उसमें से हमने एक एक्सर्प्ट हिस्ट्री के चैप्टर से लिया और वो हमने पेश किया, जहाँ भाई जी ने ये एजाज दिया कि वो खुद एक कैरेक्टर बन गए और मैं आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर दैट आई प्ले ऑन स्टेज एंड वी जस्ट डिड अ लिटिल एक्सर्प्ट फ्रॉम दैट एंड आई होप यू एंजॉयड इट एंड आई होप without rehearsal okay. I must admit and I think we were pretty good without rehearsal. तो अगर आप थोड़ा वाकिफ नहीं है तो मुश्किल हो जाता है टेक्स्ट परफॉर्म करना, पर भाई जी ने अपने पुरानी एक्टिंग के जौहर दिखाए और उन्होंने ज्यादा बगैर रिहर्सल किए इसको परफॉर्म कर दिया। तो मुझे उम्मीद है पेंडेमिक खत्म हो और किसी दिन ये ऐसा मौका आए कि हम किस्सा उर्दू की आखिरी किताब का स्टेज पर आपको पेश करें। और Absolutely. अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मुझे लग रहा है आपका जो वाईफाई वो इस्तेमाल हो रहा है, आपको कहना होगा औरों को कि इस्तेमाल ना करें, आपकी तस्वीर धुंधली आ रही है। सो अगर आप रिक्वेस्ट करें कि कोई इस वक्त देखे ना, लाइव ना देखे तो बेटर होगा, क्योंकि सिग्नल खराब हो रहा है, इट्स पिक्सेलेटेड द इमेज, साउंड फॉर्चुनेटली हैज स्टेड। अगर आप कह दें तो बेहतर होगा, मैं उतनी देर आपकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। So, friends, as you've we just tried something very, very naughty, and I hope that you've enjoyed that. It was a part, as Danish was mentioning, he wrote this work, and I thought we might do something different today. So we took an excerpt of something that he wrote, and then we just read without rehearsal. We did some dasangui. Storytelling. Danish Hussain is an actor, poet, dastango, and a theater director, currently stranded in America. Like I've been in Italy, he's still in the United States, messing, you know, bothering his sister, where he is currently, living. And, you know, he, of course, runs his own theater company, the Hoshruba Repertory in Mumbai. Instrumental in reviving the lost art form in, you know, which is Urdu storytelling, Dastan Goi. He has now innovated a multilingual storytelling platform called Kisse Bazi. He is currently in news for his forays in the OTT platforms, especially his performances in the Netflix original series
Bar of Blood and Taj Mahal, 1989. दोस्तों मैं आज हम वार्तक हाँ दानिश हुसैन के नाल जो कि एक्टर हन गए कवि हन गए दास्तान गो हन गए तो थिएटर डायरैक्टर भी हन गए ये इस वेले अमरीका च फसे हुए हैं जिमें मैं इटली च 3 महीने रहा उ 72 दिन मैं उत्थे ला के आया तो उत्थे अपनी रह भी रहे ने पर अपनी थिएटर कंपनी होशरबा रेपर्टरी है जो बॉम्बे तो वैसे बेस्ड हैं कि उत्थों चलाते हैं काम कर रहे हैं उत्थे फसे हुए हैं मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ मेरे नाल जुड़े ने इना दे बहुत वड्डा श्रेय जांदा है जिहड़ी उर्दू भाषा की जिहड़ी कहानी दसन की जिहड़ी विधि है या जिहड़ी परंपरा सी दास्तान गोई जिसनों कहा जाता है उसनों रिवाइव करन विच इना दा बड़ा वड्डा हथ है और इन्होंने उस तो बाद किस्सेबाजी नामक एक बहु भाखावी एक प्लेटफॉर्म एक साथ तैयार की है जिद जिदा नाम ही किस्सेबाजी रखा इन्होंने बड़ा वड्डा काम हो रहा पंजाबी हरियाणवी होर भाषावान इन्होंने बहुत प्रेरिया है सारियां इस वेले खबर छन के ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स जोड़ा इन्हों की शिरकत रही है इन्हों का जी दखल रही है खास करके इन्हों की नैटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ के जोड़ा है बार्ड ऑफ ब्लड एंड ताज महल 1989 वो वास्ते काफ़ी जाने जाते हैं तो मैं बहुत मैं तो शुक्रगुजार हाँ दानिश उन्हों का कि वो नाल जुड़े ने मेरी गुजारिश इन्होंने कबूल की वैसे दानिश मियाँ जब मैं आया था आपको सुनने वो हमारे जो बिचोले मुझे बताने वाले बहुत ही खास हम दोनों के मित्र हैं भाई हैं डॉक्टर मदन गोपाल सिंह उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया था उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ है दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में साउथ कैंपस में जाके सुन के आइए तो मैं गया था वहाँ सो हमें मिलाने वाले वो थे गोपाल सिंह जी आपकी तरह वो भी एक बहुत ही नायाब आदमी है मतलब ना सिर्फ एक कमाल के म्यूजिशियन हैं हिस्टोरियन हैं क्रिटिक हैं एक्टिविस्ट हैं और बहुत पैनी उनकी नज़र है जो दुनिया में हो रहा है और उसके ऊपर जो उनकी टिप्पणी है और बहुत ही ज्ञानी आदमी मतलब वो उनके साथ जितनी देर बैठे आदमी कुछ सीखते ही है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मदन गोपाल सिंह जी से मुलाकात करने का मौका मिला और उनके जरिए मुझे आपसे मौका मिला और वाकई में शुक्रगुजार मैं हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बहुत मिस करता कुछ बात अगर मैं उस वक्त ना जाता जब आपने जो काम किया था बड़ा फैंटास्टिक था और हमारी तब से गहरी जैसे कहें रिश्ता रहा चाहे आप मुंबई में चले गए पर फिर भी हम कनेक्टेड रहे हैं मदन भाई ने मुझे बताया था कि आप रूमी के ऊपर बेगम अख्तर के ऊपर और फैज पे काफ़ी आपने काम किया है वो खास करके बेगम अख्तर के बारे में अगर आप बताएं पहले बाकी और करेंगे तो मतलब मैं तो आप लोगों की तरह इतना ज्ञानी आदमी नहीं हूँ मैं तो एक्टर भांड आदमी हूँ जो मिल जाता है उसको तैयार करके पेश कर देता हूँ बेगम अख्तर का ये था कि 2013 में अख्तरी करके जो है एक प्रोग्राम जो किया ये आपका फोन बज रहा है कि मेरा मेरा है तो हाँ ले लीजिए फोन ले लीजिए तो 2013 में हमने ये अख्तरी करके जो है एक भाई जी हमने किया था विद्या शाह और मैंने और इससे पहले मैंने कभी किसी म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट नहीं किया था मतलब मैंने थिएटर किया था दास्तान की थी लेकिन मैंने किसी म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट किया था तो मुझे याद है 2012 में तो 2012 विद्या शाह मेरे पास आई और उन्होंने ये प्रपोज किया कि भाई 20 में जो है बेगम अख्तर सेंटेनरी ईयर है तो उनको कुछ खराज अकीदत पेश करनी चाहिए और उससे पहले मैंने किसी म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट नहीं किया था क्योंकि मेरे अंदर कोई म्यूजिक की ऐसी ट्रेनिंग नहीं है ना कोई सेंस है मैं बहुत ही आम आदमी की तरह हूँ बस इंटरटेन होने के लिए सुनता हूँ कुछ इतनी बारीकियां मुझे म्यूजिक की नहीं मालूम है तो जब विद्या शाह तारीफ मेरे से निकलवाने की लाख जतन करो मैं नहीं बोलूंगा तारीफ नहीं करूंगा तुम कहोगे ना मुझे कुछ नहीं आता मैं कहूँ हाँ तुम्हें कुछ नहीं आता तुम कहोगे कि अरे मैं तो सिर्फ सुनने की आदत है मैं नहीं कहूंगा अरे क्या बात कर रहे हो दानिश मियां तुम तो बहुत सियाने हो मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल ना बोलिए आप तो विद्या ने आके मुझसे कहा कि ऐसा एक कुछ म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग करते हैं और आप बेगम अख्तर के बारे में बोलिए और मैं जो है उनकी कॉम्पोजिशंस गाऊंगा
तो मुझे आइडिया अच्छा लगा और मुझे लगा कि इसी बहाने मैं म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करूंगा, इसी बहाने मुझे एक और दरवाजा खुला और कुछ जानने को मिलेगा। तो फिर विद्या और मैंने, बेगम अख्तर के विद्या ने मुझे काफी मटेरियल दिया और उस जमाने में शांति हीरानंद जी हयात, अभी अभी उनका देहांत हुआ, अभी अभी देहांत हुआ उनका। हम शांति हीरानंद जी से भी मिले और उन्होंने काफी अपनी किताब दी और काफी बेगम अख्तर के साथ जो उनका एसोसिएशन था वो बताया। फिर हमारी ये बहुत ही मकबूल हिस्टोरियन है, वहाँ लखनऊ में है, रामजस कॉलेज में थे, तो मैं उनका नाम क्यों, मेरे जिन्होंने मलका पुखराज पे किताब लिखी है, आपको मालूम होगा, मुझे याद, किदवई भाई जो है, किदवई भाई, तो उन्होंने वो अब लखनऊ में रहते हैं, तो उन्होंने उनका बड़ा साथ था कि वो और आगा शाहिद अली दोस्त थे और वो लोग बहुत बेगम अख्तर के साथ घूमते थे, तो उनका बहुत साथ था, तो उनके पास बड़ी रेयर रिकॉर्डिंग्स थी और इंटरव्यूज थे बेगम अख्तर के। तो फिर हम लखनऊ गए किदवई भाई के पास, वहाँ उनके साथ बैठे और उन्होंने फिर वो रिकॉर्डिंग्स हमारे साथ शेयर की। तो उसके दौरान ऐसा मटेरियल तैयार हुआ जिसमें कुछ ऐसी बातें थी जो इंटरनेट पे नहीं मिल सकती थी, वो हम ही जानते थे बेगम अख्तर के बारे में, कुछ कॉम्पोजिशंस ऐसे थे जो किसी ने सुने ही नहीं थे आज तक, और कुछ ऐसी बातें उनकी थी जो कोई जानता ही नहीं था। तो उससे क्या हुआ कि एक जिसे कहते हैं थोड़ा कटिंग एज मिल गया हमारे प्रोग्राम को, क्योंकि हम कुछ ऐसा पेश कर रहे थे जो किसी ने सुना ही नहीं था बेगम अख्तर के बारे में। और 2013 में हमने पहली बार जो है वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में विद्या और मैंने अख्तरी ये प्रोग्राम ओपन किया और बहुत मकबूल हुआ, बहुत पसंद आया लोगों का वो, और तकरीबन अब 7 साल हो रहे हैं और हम ये प्रोग्राम जहाँ जहाँ मौका मिलता है करते जाते हैं। और उसके बाद फिर एक ऐसा दरवाज़ा खुला कि फिर मैंने, मुझे कई बड़े बड़े म्यूजिशंस के साथ कोलैबोरेट करने को मिला। उस्ताद फजल कुरैशी चाह रहे थे कि उनके 2018 में उस्ताद अल्लाह रखा साहब का जो है 99th बर्थडे था, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैंने, उन्होंने मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया और मैंने उस्ताद जी की ज़िंदगी के बारे में रिसर्च किया और फिर हमने एक प्रोग्राम तैयार किया जहाँ मैं उस्ताद अल्लाह रखा की ज़िंदगी के बारे में बात करता हूँ और फजल जो हैं वो बाकी म्यूजिशंस के साथ बैठकर जो उनके तरह तरह के जो कोलैबोरेशंस थे, कॉम्पोजिशंस थे, पंडित रवि शंकर जी के साथ, यहूदी मेनन जी के साथ, गाय बडी के साथ, तो इन ये सब जो है वो कॉम्पोजिशंस जो है हमने फिर वो प्ले आउट किए कहानी के साथ साथ। फिर मुझे याद है कि उसके बाद ये MTV इंडिया म्यूजिक समिट वाले आए, तो उन्होंने कहा कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के ऊपर कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो उनके जो पोते हैं उस्ताद मजहर अली खान साहब और उस्ताद जवाद अली खान साहब, उनके जी और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की जिंदगी के बारे में रिसर्च किया और फिर वही म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग की जहाँ मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में सुना रहा हूँ और वो कॉम्पोजिशंस बड़े उस्ताद के परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा अनुभव था, इसके ज़रिए जो है मुझे बड़े बड़े म्यूजिशंस की जो लाइफ है उसके बड़े इंट्रिकेट पहलूज और म्यूज़िक की दुनिया और कैसे वो म्यूज़िक से इंगेज करते थे, तो वो एक जो एक म्यूज़िक डिसिप्लिन जो है वो, हालांकि मुझे खुद बजाने नहीं आता है, खुद गाने नहीं आता है, लेकिन वो दुनिया मुझे बड़ी गहराई से देखने को मिली और फिर इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ जो है कोलैबोरेट करने को मिला, उनके साथ मंच पे बैठ के वो परफॉर्म कर रहे हैं और मैं वही मंच पे बैठा हूँ उनको सुन रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा अनुभव था मुझे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इसके लिए। तो बेगम अख्तर से बात शुरू करते हैं, क्या खास आपको लगा उनका जब आपने रिसर्च किया, जो आपने बताया कि चीज़ें आमतौर पे विकिपीडिया वाला मामला नहीं है जो यूट्यूब पे या कहीं और मिल जाए, तो जिनका जिनका निजी जिनसे वास्ता रहा उनसे, उनको जो बातें मालूम थी वो तो जाकर पता करने पे ही मिलती है, रिसर्च करनी पड़ती है, फील्ड वर्क करना पड़ता है, ऐसी कोई दो चार बातें जो खास आपको लगी वो साझी करें तो बड़े शुक्रगुजार होंगे हम। खासियत ये थी कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत फाइन था, बहुत नफीस था उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, और लताफत जो उनके मजाक करने में वो ये थी कि जिसका लतीफा बनाया जा रहा है, जिसको लतीफा सुनाया जा रहा है, लतीफा बनाए जाने वाला और लतीफा सुनाए जाने वाला दोनों लुत्फ अंदोज हो जाते थे।
तो ये बहुत कमाल की बात होती है. बट इट इज इजी टू लाफ एट पीपल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ ह्यूमर व्हिच डजंट लाफ एट समवन बट टेक्स एवरीबॉडी अलोंग विद यू. और हर जैसे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक उस्ताद जी थे, वो हारमोनियम बजाते थे बेगम अख्तर के साथ. तो अब क्या हुआ कि उनका जो लव अफेयर है किसी धोबन के साथ हो गया. अब वो धोबन के साथ जो है वो फरार हो गए और कुछ अपना एक दो महीना वो हनीमून बनाया. और लोगों ने, आपको तो पता है इंटरकास्ट मैरिज ये सब में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कुछ दुश्वारियां भी रही होंगी. तो वो दो तीन महीना चार महीना जो है वो उस्ताद जी जो है वो अंडरग्राउंड रहे. उसके बाद जब बात बात माहौल जब सही हो गया तो वो उस्ताद जी वापस आए और बेगम की कुछ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में रिकॉर्डिंग थी. तो उस्ताद जी जो है अपना बिल्कुल साफ बर्क शफाफ कुर्ता पहन के हारमोनियम लेके बाकी जो वहाँ पे साजिंदे थे उनके साथ स्टूडियो में बैठे हुए थे. बेगम उधर से आई, जैसे ही दाखिल हुई चमकता हुआ सफ़ेद कपड़ा देखा उस्ताद जी का, तो फौरन बोली आए हाय कुर्ता तो बड़ा साफ पहना हुआ है. तो अब समझने वाला समझ गया कि धोबन से शादी की है इसलिए कह रहे हैं. तो ये एक और किस्सा सुनाता हूँ. उनकी एक और दोस्त थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सैयदा आपा ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में एक किसी ऊंची पोस्ट पर थी और वो बेगम अख्तर की बड़ी अच्छी दोस्त थी. अब सच झूठ बरगर्दने राम, पर ये है कि सुनने में आता है कि एक जमाने में नवाब रामपुर जो थे वो बहुत आशिक थे बेगम अख्तर के और बिल्कुल चाहते थे उनसे निकाह करना. अब क्या हुआ कि एक दिन जो है सैयदा आपा बेगम अख्तर से मिलने के लिए आई उनके घर पे लखनऊ में. तो बेगम अख्तर, एक नवाब साहब ने उनको चांदी की कुर्सी भेंट की थी. उस चांदी की कुर्सी पे बैठकर बेगम अख्तर जो है नवाब साहब की बुराई कर रही थी सैयदा आपा से कि जीना हराम कर रखा है, बिल्कुल कैद में बुलबुल हो उस तरह से मुझे रखा हुआ है और मैं तो चाहती हूँ कि बिल्कुल जब मौका मिले तो उनके कैद से आज़ाद हूँ और उड़ के निकल जाऊँ. और वो दुनिया भर की नवाब रामपुर की बुराई करते करे जा रही. तो आखिर में सैयदा आपा वो भी दिक आ गई. तो उन्होंने कहा कि भाई अख्तरी, अगर तुम्हें नवाब साहब से इतनी दिक्कत है तो तुम कतः ताल्लुक कर लो, तोड़ लो उनसे अपना रिश्ता. तो तपाक से बेगम बोली बस मैचिंग टेबल मिल जाए फिर छोड़ दूंगी. तो ये जो एक लताफत थी ना बेगम अख्तर के अंदर, जो विट था वो बहुत जबरदस्त था. और दूसरी चीज जो बेगम अख्तर की थी कि शी वॉज अ ग्रेट लाइव परफॉर्मर. भाई जी, मतलब बेगम अख्तर की लाइव परफॉर्मेंस का ये जादू होता था और ये उनका जादू था कि अगर मान लीजिए ऑडिटोरियम में 1000 लोग बैठे हुए तो हर आदमी को ये लगता था कि बेगम मुझसे मुखातिब होकर मेरे लिए गजल गा रही है. और ये एक मतलब ये इस तरह का एक ऑरा क्रिएट करना कि आप एक मजमे में बैठे हुए हैं और आप यकीनन ये इम्पॉसिबल काम है कि आप हर आदमी के साथ आंख मिला सकें और हर आदमी से बात कर सकें जब 1000 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, लेकिन हर आदमी को ये फील हो कि ये मेरे लिए गा रही हैं, ये मुझसे मुखातिब हैं और ये मेरे लिए बजा रही हैं, ये उनकी एक कमाल की बात थी. मोनालिसा याद आ जाती है कि जहां से देखें लगता है आप ही को देख रही है. बिल्कुल. और तीसरी चीज उनकी ये थी भाई जी के, अब आप तो म्यूजिक के आदमी हैं, आप ज्यादा मुझसे अच्छा समझते हैं, वो पत्ती लगाना. तो जब वो गाते वक्त पत्ती लगाती थी, मतलब इट्स दिस इज व्हाट विद्या हैज मेड मी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन योर वॉइस, जहां से आपकी वॉइस टूट भी सकती है और ऊपर भी जा सकती है. और वो बड़ा डेलिकेट मामला होता है, उस पर होल्ड करना आवाज को वो बड़ा मुश्किल होता है. और बेगम अख्तर जो है वो जब पत्ती लगाती थी और उनकी आवाज में थोड़ी सी वो सरसराहट वो थोड़ी सी आती थी तो लोग जो है ऐसे कहते हैं दीवाने हो जाते थे. और अक्सर जब वो महफिल में बैठती थी तो उनको ये फरमाइश होती थी कि पत्ती लगा दीजिए जरा. तो ये सब जो है उनकी एक यूनिकनेस थी. और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मुझे बेगम अख्तर की लगी कि जो खासकर जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी है और उसके अंदर जो ये गुरु शिष्य की जो रिवायत है, परंपरा है, तो उसमें ये बहुत ही मेल डोमिनेटेड परंपरा है क्योंकि मेल उस्ताद होते थे. और वो फिर जो गंडा बंधन होता था और वो आपके हाथ में जो धागा बांधा जाता था जहाँ ये बिल्कुल फॉर्मली डिक्लेयर किया जाता था कि आप अब उस गुरु के शिष्य हो गए हैं, ये गंडा बंधन का जो रिवाज था
ये खाली मेल उस्ताद के साथ था, और बेगम अख्तर पहली उस्तानी थी जिन्होंने अपने फीमेल डिसाइपल को गंडा बांधा। शांति हीरानंद जी को उन्होंने गंडा बांधा, और जो ये गंडा बांधने की जो परंपरा थी, रस्म थी, जो खाली मेल उस्ताद अपने मेल डिसाइपल्स को करते थे, वो रस्म को वो तोड़ के एक तरह से औरतों में, खवातीन में लाई, और वो पहली उस्तानी थी जिन्होंने अपनी फीमेल डिसाइपल को गंडा बांधा। तो वो मुझे लगता है कि बहुत 1950s में बहुत रेडिकल काम था जो उन्होंने किया था, और इन्हीं सब बातों की वजह से वो एक बहुत यूनिक शख्सियत थी। और उस तरह की शख्सियत जो है, बाद में बहुत लोग आए जो जिन्होंने आप जिसे कहते हैं सुगम संगीत, गजल गाना, ठुमरी गाना, इन सब चीज़ों में दखल अंदाजी की, लेकिन वो मकाम जो बेगम अख्तर का था वो मुझे नहीं लगता कि किसी को मिल पाया। मुझे यानी क्लासिकल मस्त से बहुत नज़दीकी रही, आई एम टॉकिंग अबाउट 30s एंड 40s, तो बहुत मुझे भी कुछ बातें सुनने को मिलती रहीं महाराज ठाकुर सिंह जी से, और एक आई थिंक उन लोगों का जो दौर था ना, वो संगीत की जो बैकग्राउंड थी जिस माहौल में, वो एक एक आपसी तालमेल था संगीतकारों में। आजकल तो मिलते नहीं है लोग, आजकल यूं नहीं, अगर आप बहुत बड़ा स्टार है तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, मैनेजर्स का नंबर मिलेगा, आप चाहे जो भी, मतलब एक जिसे कहें दीवारें बन चुकी हैं इतनी आसानी होने के बावजूद, कम्युनिकेशन होने के बावजूद। पर और आजकल की महफिलें क्या हैं कि एकदम आइसोलेटेड आइडियाज़ हैं, मतलब एक कैरिश्मा ऑफ द इंडिविजुअल जिसे मैं कहता हूँ अक्सर सियासत में भी और वैसे भी, वो पहले कलेक्टिव का एक कॉन्सेप्ट था कि अपने शागिर्दों को एक दूसरे के पास भेजना, कोई अगर अच्छा राग गाता है तो वो राग को कहने की का तरीका जो है, अदा करने का, उसके पास भेजते थे कि भैया तू जाके ना जरा कानड़ा, शुद्ध कानड़े की जरा निखात देख के आ फलाने के पास, कि तीव्र निखात कैसे लगेगी वगैरह। वो एक जो मैंने देखा है पिछले साढ़े तीन दशक जो मैंने गुजारे हैं रिसर्च करते हुए, और पहला शायद मैं प्रोटैगनिस्ट था बड़ी परंपरा से जो सैकड़ों साल पुरानी, जो दूसरी परंपराओं को देखते, उसकी पैडागॉजी और उसकी ग्रामर को देखने के लिए, यू नो, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मैं गया हूँ। कईयों से गंडे बंधवाने पड़े मेरे को, उन्हें कहते थे, हम वो सोचते थे, परखते थे कि शायद मैं वैसे आया हूँ। मैंने कहा लो लीजिए जी, गंडा बांधना गंडा बांधिए, पगड़ी लेनी पगड़ी लीजिए जी सदके, पर मैं आया हूँ लूटने और मैं समझने आया हूँ, ताकि तवारी रिकवरी का काम है ना, रिकवरी नहीं हो सकती अगर जब तक आप सब्जेक्ट को ऑनर ना करें। एक होता है इंडिविजुअल को ऑनर करना, एक होता है विषय को, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो हेरिटेज है, इंटेंजिबल हेरिटेज है, वो इस्तेमाल अडेप्टिव यूज कर रहे हैं ना सब लोग। राग का कॉन्सेप्ट एक है, ताल का कॉन्सेप्ट एक है, अगर मेरे घराने में एक राग बनता है, अगर मैं को बंदिश बना रहा हूँ, ठीक है मेरी मलकियत है, पर जो हेरिटेज है वो तो सबको साझा होना चाहिए। सो इट इज बीन वेरी डिफिकल्ट इन दैट सेंस के जो वातावरण, जिस माहौल में बेगम अख्तर जैसे बड़ी जो हस्तियां हैं पैदा हुई, वो माहौल नहीं है आज। चाहे चाहे लियाकत है, चाहे इच्छा है लोगों में, काबिलियत तो है ना, वही वही जो परवरदिगार पहले जन्मता था आज भी वही जन्म रहा है, लेकिन अगर हम यू नो कंडीशंस अगर हम गायब कर दें, वो माहौल अगर गायब कर दें, वो समा ना रहे, तो विद्वता पैदा नहीं हो सकती, विद्वान नहीं पैदा हो सकते, वो ऊंचाइयां छू नहीं सकते लोग। देखिए उसमें उसमें दो चीजें हैं भाई जी, जो कारण है इस तरह के कोलैबोरेटिव कलेक्टिव माहौल को खत्म करने में। पहली चीज तो है ये जो खासकर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ये जो कैपिटलिज्म है, कि जहाँ पे हर चीज जो है उसके ऊपर एक आप बंदिश लगा देते हैं कि भाई ये फलाने की प्रॉपर्टी है, और अब आप अगर इससे कुछ फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो पुरानी हमारी जो रिवायतें थी, वो उसमें ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो समझा जाता है वो नहीं है, वो साझा जो है एक नहीं, होता ऐसा ऐसा नहीं था। मैं उसमें उस वक्त का मैं बता देता हूँ चाबी क्या थी। अभी पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित जी से बात हो रही थी इसी बैठक में, उन्होंने भी जिक्र किया कि जो ग्वालियर घराने के जो दो बड़े हुए हैं जिन्होंने ग्वालियर घराने की इजाद की, अब उनके पास राज तो नहीं थे। अब होता क्या था पुराना सिलसिला, क्योंकि हमारे पुराने
खानदान जजमानों का सिलसिला रहा हमारे यहाँ, हमारे घर में कई गाने वाले, यानी कि विरासी भी और रबाबी भी, तमाम गवैये हमारे बुजुर्गों के यहाँ रहे। और तो होता क्या था कि जो पेट्रोनेज चाहता था वो अपना राज सिर्फ अपने पेट्रन से साझा करता था, किसी और से नहीं। सो ये जो एक पॉलिटिक्स है आजकल, ख्याल जैसे फॉर एग्जांपल, ख्याल एक पेरिफेरल नॉलेज को कहा जाता था किसी जमाने में, और जो कोर सेंटर था, अगर आप जाएंगे ना किसी भी बड़े सिलसिले में, ग्वालियर में जाएं, कवाल बच्चों के जाएं, किसी के पास जाएं, आप देखेंगे दो तीन चार पीढ़ियां पहले धुरपद 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 का नाम था कि सदियों से धुरपद की रिवायत रही, क्योंकि धुरपद जब रचे गए उनमें उनको तालीमाती धुरपदे कहा जाता है, यानी कि ग्रामर राग का जो है जो टीका एनसाइक्लोपेडिक कंपोजिशंस हैं वो धुरपदों में कायम है। अगर कोई बहस होती थी विद्वानों में कि अरे वो राग में ये कैसे लगा दिया, वो कैसे, वो बहस तो फिर तू मैं में हो जाएगी, तो उसमें फिर एग्जाम्पल प्रमाण देना पड़ता था, रेफरेंस देना पड़ता था कि कौन सा पुराना तवारीख की धुरपद है जो तुम्हें याद है जिसमें ये रेफरेंस आपको देना होगा, इतनी सख्त स्कॉलरशिप होती थी। पर जैसे राजे होते थे, महाराजे नवाब या बेगमें होती थी, या और जमींदार होते थे, बड़े जजमान होते थे, वो हमराज होते थे सिर्फ गवैयों के, लेकिन आपस में गवैयों के पास क्या है अगर दो कोर्ट म्यूजिशियंस एक कोर्ट में हैं, उनके अपने असला जो है इल्म का आपस में नहीं वो बांटते थे, बताते थे। जब पब्लिक गाते थे तो वो कल्याण गा दिया, जो हर कोई जानता है, एक कुछ रेपर्टोर रखा था जो सुनाते थे, बड़ा लुत्फ लोगों को भरमाते थे और पसंद भी करते थे लोग। पर इतने विद्वान होते थे कुछ जो अपना टू सस्टेन दैट स्टेटस वो अपने जजमान से ही सिर्फ जो रेयर अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उससे साझी करते थे। वो प्रमाण जो मैं दे रहा हूँ मिसाइल के तौर पे कि उस दिन पंडित जी ने जो बात की कि ग्वालियर के राजे ने अपने जो चहेते तो जो यंगस्टर से जो ख्याल बना रहे थे, तो उस्ताद मोहम्मद, मुझे याद मोहम्मद क्या नाम बताया था उन्होंने, मोहम्मद उमर भूल रहा हूँ मैं नाम, मोहम्मद समथिंग था जनाब का, वो ध्रुपदीय थे बहुत बड़े, उनको सुनने के लिए और अपने तखत के नीचे दोनों को छुपाकर सुनवाते थे कि अब तुम देखो कि ये खास बातें क्या है। सो आईपीआर होता था उस वक्त, पर आजकल जो एक जो आप तुम कह रहे हो, मैं उसको जोड़ना चाह रहा हूँ आपकी बात से कि दास्तान के संदर्भ में था। अब जैसे क्या था कि जब दास्तानिक कॉम्पोजिशंस होते थे और दास्तान को बैठ के कहानियां सुनाता था, तो वो फ्रीली कभी किसी शायर का कलाम उठा ले, कभी कोई चीज कहां से उठा ले, कभी कोई चीज उठा ले और अपनी डाल देता था, और उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब उसने जो है शेफ्ता का या मुसफी का या मीर तकी मीर का कोई शेर इस्तेमाल कर लिया, तो अवाम इतनी जानकार होती थी कि वो उसको बगैर बताए समझ में आ जाता था कि ये किसका शेर है, और वो उसी वक्त वाह 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 तारीफ करने लगती थी। सो इन दैट द एक्नॉलेजमेंट वाज वेरी कलेक्टिव, हर किसी को मालूम होता था ये चीज क्या है। दास्तान को उठा के उस चीज को चस्पा कर रहा है अपनी दास्तान में, उसने कोई शेर उठा के कोई उठा के कुछ करके कर दिया, तो उसके ऊपर जो है ये इल्जाम नहीं लगता था जैसे आज के जमाने में लग जाएगा प्लेजरिज्म का। रिवायत क्या थी हमारे, क्योंकि सिलसिले होते थे तो शायरों के और उस्ताद के और शागिर्दों के, तो बहुत जमाने तक तो भाई आप देखते होंगे कि लोग अगर ये कहें कि मैं अपना दोहा कहूंगा तो कोई इसको मानेगा ही नहीं, तो लोग झूठा कह देते थे, झूठा का दोहा है, इनका दोहा है, हैं ये गालिब का शेर है, तो ये उल्टी रवायत चलती थी। वो बात के जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए दिक्कत हो गई, वो छांटते फिरते हैं कि कौन सा असली गालिब का शेर है, कौन सा नकली है, कौन सा कबीर का दोहा असली है। तो एक तरह से आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस दैट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वाज नॉट सच ग्रेट अनलेस यू बिकम लाइक अ उस्ताद। यस, तो अनलेस यू डोंट उस्ताद द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लोगों को वो से कहते हैं ना रिकॉग्निशन नहीं मिलता था। तो लोग क्या करते थे कि कह दिया ये जो कबीर का दोहा है, दोहा खुद का कहा हुआ है, लेकिन गुरु नानक के नाम पे बहुत कुछ लिखा गया, कबीर जी के नाम पे बहुत। एक मजे की बात अगर इजाजत हो मैं सुना दूं, महाराज वीर सिंह होते थे जो नामधारी गुरु थे पिछले बाबा जगजीत सिंह, उनके छोटे भाई और मौजूदा जो मुखी हैं दो उनके वालिद, तो वो सरसा में हर साल या करते थे। तो एक आई थिंक 97 या 98 की बात होगी, तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे गाड़ी में कौन कौन है, सिंह बंधु पंडित तेजपाल सिंह, पंडित सुरेंद्र सिंह, दोनों मेरी गाड़ी में।
अपने भरतभूषण गोस्वामी सारंगी नवाज जो बनारस परंपरा के हैं वो साथ में, और पंडित मनमोहन सिंह तबला नवाज जो भाई रजन सिंह तरंगड़ से भी कुछ सीखे पर उस्ताद हबीबुद्दीन खां के खास शागिर्द थे। तो और मेरी वो पुरानी टाटा एस्टेट बेचारी जा रही, और स्पीड ब्रेकर नहीं कार ब्रेकर आते थे इतने बड़े, उनको उतरना पड़ता था यू नो सरसा जाने वाली सड़क में, इतने डेढ़ डेढ़ फुट ऊंचे बीच में लगाए थे जब भी गांव आए, तो बड़ा एक लंबा ही सफर था। हर हर गांव के ऊपर दो होते थे, एक अंदर घुसने से पहले बाहर जाने से पहले। तो बंदिशों की बातें होने लग गई, तो बातें चलती चलती अंताक्षरी छंद आया, तो मैंने कहा आ देखो जी ये कितना दी चीज है, तो मैं सुनाई, मैं क्या ता ता तरी तरी कर, पुराना सुना है कायधा कृतिक तकड़ धान धा कृतिक धी 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 धा तरी कृतिक धा कृतिक घे घे तरा धा कृतिक कत्र घे कृतिक धा धा धिन्ना ते टे कत्ता का धर कृतिक तकड़ धा धर कृतिक तकड़ धा धर कृतिक तकड़ धा धिन्ना ते टे कत्ता का धर कृतिक तकड़ धा धर कृतिक तकड़ धा धर कृतिक तकड़ धिन्ना ते टे कत्ता का धर कृतिक तकड़ धा धर कृतिक तकड़ धा धर कृतिक तकड़ धा। ये तबले की उन्होंने सुनाई कि देखो पंजाब की क्या आलिशान चीज है। मैंने कहा इसका पखावज का ओरिजिनल रूप भी है, तो कहीं वो क्या है, मैंने सुनाया कि कायधा कर तक तक धान धा कर तक दी 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 धा तिर कर धा कर तक कर घे घे तड़ान धा कर कर ताई तिर घे तिर करान धा ग्रहिन्ना ते ते कत्ता का धर कर तक धा धर कर तक धा धर कर तक धा ग्रहिन्ना ते ते कत्ता का धर कर तक धा धर कर तक धा धर कर तक धा ग्रहिन्ना ते ते कत्ता का धर कर तक धा धर कर तक धा धर कर तक धा। ये सुनाया तो मैंने कहा अच्छा पंडित जी एक और चीज याद में आ रही है। देखिए एक चीज, मैं भी शरारत कर रहा था गाड़ी चलाते हुए, मैंने कहा अंताक्षरी छंद ये देखिए, मैंने कहा ये क्या है अंताक्षरी छंद, कायधा कृतक धान धा कृतक दी, मजाक कर रहा था मैं, बड़ी आलिशान चीज है, सटायर कर रहा था यूं कहें। तो मैंने कहा एक मील बाद यू नो कायधा कृतक धान धा कृतक दी दी धा तिर घे फे घे तड़ान, इतना लंबा लंबा। मैंने कहा जवाब देखिए अंताक्षरी छंद है तो ता उसी वक्त जवाब है जैसे शीशा है मिरर है, और उल्टी अंताक्षरी भी है ताता तिर तिर, तो तिट 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 पहले अक्षर से अंताक्षरी उल्टी अंताक्षरी की मैंने परन सुनाई के ताता तिर तिर कर तिर कता तिर तिर कर गति ने नगद दृढ़ दे दे तगर दे 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 धा धा तिर दृढ़ दान दे तिर दृढ़ तत 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 ता ता कर दृढ़ दी दी दृढ़ दा दृढ़ दा दे तलां दे तिर कर कत्र घे तिर कर धर तिर घर दा घर नी घर दान दा 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 धर घर धर घर तड़न दा घर दा घर धर घर तक कर धा घर धा धर घर धर घर तड़न दा घर दा घर धर घर तक कर धा घर दा पंचम सवारी की मैंने सुनाई। तो सारे गाड़ी में मतलब चीज बड़ी महंगी है, तो कहे तो मैं भी मस्ती में गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो तारीफ हो रही है जनाब, पांच सात मिनट ना वाह वाह हुई। तो पंडित मनमोहन सिंह कहने लगे अरे भाई जी ये चीज के ना दिया है। तो मैंने कहा बहुत बड़े बुजुर्ग हो इन्हें, बहुत वड्डी हस्ती हुई है पखावज दी, और मतलब ओना दे जमाने च कोई सी नहीं सानी। तो मैंने थोड़ा और यानी कि उबाला, थोड़ी आग थोड़ी और दी, तो उनको और रुचि सब कहे, बड़े जिज्ञासु बड़े यू नो क्यूरियस हो गए, भाई दस्ता सही के वो नौ की सी उन्होंने। मैंने कहा कमाल दा बजांदे सी, क्या करिश्मा सी बजान दा, वो कही दस्ता सही नौ। मैं कहा भाई बलदीप सिंह तो, पहले तो हंसे और फिर सन्नाटा छा गया। तो पंडित मनमोहन सिंह बहुत प्यार करते थे मेरे से, बहुत विद्वान, मैंने बड़ी तस्वीरें भी खींची, हमने टूर भी किया। मुझे कहने लगे सीरियस होकर, बलदीप जी तुहानू ना एक एक सलाह देनी सी। मैं कहा हाँ जी जनाब, गाड़ी चला रहा हूँ उसी तरह तेज में, सन्नाटा छाया हुआ गाड़ी में जैसे कुछ सोक हो गया हो। ए ना क्या करो कि तुहाडी चीज है, एक कहते मूड खत्म हो जाता है दा। एक कह रहा करो किसी वड्डे बजुर्ग का नाम लै ताकि जो फलाने खां साहब दी है या फलाने भाई साहब दी है, कहते ए ना क्या करो। ये सबक भी मेरे को दिए गए। मैंने कहा जी माफ करना, मैं नहीं जोड़ता। तो ये मशहूर किस्सा है, जैसे जो दास्तान अमीर हमजा है, तो वो जब नवल किशोर प्रेस ने छापा तो 46 जिल्दों में गई, तो वो अलग अलग जो उसमें सब सेक्शंस हैं जिनको दफ्तर कहा जाता है, तो जो पहले 7 वॉल्यूम्स का जो दफ्तर है उसको कहा जाता है तिलिस्म होश रुबा, यानी वो तिलिस्मी दुनिया जो आपके होश उड़ा दे। अब ये तिलिस्म होश रुबा वैसे जो नवल किशोर प्रेस में छपा है वो तो सैयद मोहम्मद हुसैन जा और अहमद हुसैन कमर ने लिखा है,
लेकिन कहा जाता है कि इसकी इजाद जो है वो मीर अहमद अली एक बहुत बड़े जो है दास्तान को होते थे और उनके चार शागिर्द होते थे, इन लोगों ने मिलके जो है ये दास्तान कुछ 20 साल पहले रची थी। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो मीर साहब थे वो 5-6 महीने के लिए, साल भर के लिए अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि वो ये दास्तान बैठ के रच रहे थे। अब वो जो साल भर के बाद जब बाहर निकल के आए तो नवाब साहब के पास ये शोर मचा कि भाई मीर साहब उजागर हो गए हैं, वापस नमूदार हो गए हैं और सुनने में आया है कि कुछ नया माल लेकर आए हैं। तो नवाब साहब ने फौरन उनके एजाज में जो है वो पार्टी रखी। अब वो पार्टी रखी, मीर साहब बुलाए गए और साहब पहले बड़ी दावत खातिर मदारत, और फिर उनसे कहा धीरे से, नवाब साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि सुना है कि आप कोई नया नुस्खा, कोई नई दास्तान लेकर आए हैं। तो कह लगा हाँ वो क्या करूं, वो तहखाने में था और वो मुझे एक पुराने पिटारी के अंदर जो है एक पुराना नुस्खा मिला जो मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा को अबुल फजल ने दिया था बादशाह अकबर के दरबार में। और क्योंकि धूल वूल बहुत थी तो अब जरा खांसी वासी तो कुछ समझ गया इशारा, फौरन भाई वाइन वाइन मंगाई गई पीने के लिए। अब उन्होंने वाइन वाइन पिया, फिर कहने लगे कि भाई बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है अच्छा, तो फौरन कबाब वबाब मंगाए गए उनकी खातिर में। अब उसके बाद अब नवाब साहब इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब ये कहानी सुनाएंगे। कहने लगे भाई कुछ काम भी नहीं कर पाए हैं पिछले एक महीने से, फलाने को पैसा देना है, फलाने को पैसा देना है, उसका बनिया बक्काल का सब उधार पड़ा हुआ है। नवाब साहब ने फिर एक पोटली जो है सिक्कों की थोड़ा आगे बढ़ाई, हुजूर ये थोड़ी सी आपके लिए। तो जब बड़ी खातिर मदारत करवा ली उन्होंने और सब पैसा वैसा मिल गया, तो कहने लगे चलिए आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको टुकड़ा सुना देता हूँ। और फिर वो 3 घंटे तक सुनाते रहे और 3 घंटे के बाद उन्होंने ऐसे मकाम पे लाके उसको रोका कि जहां पे बिल्कुल आप समझ लीजिए क्लिफ हैंगर। कहने लगे अब जरा मेरी तबीयत खराब है, कल चौक में मैं बाकी दास्तान सुनाऊंगा। अब भैया पूरे शहर में आग फैल गई कि साहब मीर साहब जो है नई दास्तान ले, जबरदस्त दास्तान है कि साहब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगले चौक में जो है लगना शुरू, अब जब चौक में भीड़ लगना शुरू हुई तो पहले खुद नहीं गए, पहले कि अपने दो शागिर्द दिए ताकि जो भीड़ इकट्ठा मैं आऊंगा। तो साहब फिर दोनों शागिर्दों ने रिकैप दी, 2 घंटे में कुछ जमा हो गए, जब 400-500 आदमी जमा हो गए तो ये सुनने में आया कि अब नवाब साहब की सवारी आ रही है चौक में, तब मीर साहब निकले और जाके उन्होंने बाकी दास्तान सुनाई। तो ये मतलब कहानी कहने का मतलब ये था कि देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी दास्तान है, वो कह रहे हैं दादा के दादा के दादा के दादा को अबुल फजल ने नुस्खा दिया था बादशाह अकबर के दरबार में। क्या बात। अच्छा ये तो बेगम अख्तर की बात हुई, अल्लाह रखा साहब का जो आपने जिक्र किया, अब उनसे बात शुरू हुई, उनके बारे में उनका क्या आपको खास स्ट्राइकिंग बात याद आ रही है उस फील्ड वर्क से? एक तो ये जो उन्होंने जो तबले के जो बोल दिए उन्होंने उसको वर्बलाइज किया, वो मेरे ख्याल से जो उन्होंने, और दूसरा जो है कि एक तो उन्होंने ये तबले के जो बोल दिए, और दूसरा जो है कि उन्होंने जो अपनी परंपरा थी उसको सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं किया, उसको उन्होंने खोल दिया। मतलब वो जो भी उनके पास आके तबला सीखना चाहता था, और तो वो उनका ये नहीं था कि ये मेरा घराना है तो इसमें जो खास लोग हैं या जो खास डिसाइपल हैं, एक तरह से उन्होंने जैसे कहते हैं पब्लिक कर दिया। और वो एक जो स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया बंबई में, जो अब उस्ताद फजल कुरैशी चलाते हैं, और इनफैक्ट उनके एक दो शागिर्द मेरे साथ भी किस्सेबाजी दास्तान सुनाने में परकशन में काम करते हैं। तो ये जो उन्होंने जिसे कहते हैं उसको डेमोक्रेटिक किया अपने आर्ट को, I think that may not be accurate to say because his teacher उस्ताद मियां कादर बख्श had a very eclectic group of students in Lahore. Gyani Darshan Singh was the oldest of them with whom I, you know, studied very closely also to see Miyaji's composition. So I think he carried that tradition. Maybe after partition may have been the first one to do here in India, yes, or one of the first ones. But traditionally there have been maestros who were very eclectic
in that sense. It was not confined to a few only. उन्होंने उस परंपरा को जारी रखा और एक बहुत मशहूर मुझे बहुत मशहूर एक रॉक बैंड था उसका एक बहुत आइकॉनिक गाना था वो भाई जी मेरे दिमाग से भी निकल गया अच्छा पर मुझे वो मुझे याद है कि उस्ताद जी जो थे वो वहाँ अमेरिका गए हुए थे पंडित रविशंकर जी के साथ और वो जो अपना जो फेमस कॉन्सर्ट हुआ था कैलिफोर्निया में वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें जिमी हेंड्रिक्स और बाकी सब बड़े बड़े जो रॉक म्यूजिशियंस थे तो एक ये रॉक बैंड था इसका मैं आपको निकाल के बताऊंगा और वो न्यूयॉर्क के होटल में उस्ताद अल्ला रखा से मिला और उन्होंने बैठ के वहाँ जुगलबंदी कमरे में की तो उनका एक गाना था और उन्होंने उस्ताद जी ने ऐसी बात बात में उनको वो कुछ ऐसी कुछ ताल बताई कि वो ताल जो है वो उनके दिमाग में बैठ गई और उसके बाद जो उनका जो वो गांठ बंधी हुई थी और गाना खुल नहीं पा रहा था वो गाना उनका खुल गया और उसके बाद उस बैंड ने जो है उस गाने को गाया जो जाके एक आइकॉनिक सिंगल बना रॉक हिस्ट्री में और वो उन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि उस्ताद अल्लाह रखा की वजह से जो है हमको ये गाना जो है हम ये पाए ऐसे गुर इन लोगों के बारे में पता लगते हैं और आदमी यही सोचता है कि कुछ कुछ टेक्स्ट तो कुछ टेक्स्ट अगर याद आ रहा है जो तुमने लिखा जो किसे बाजी का हिस्सा बना कुछ जो म्यूजिशियंस के बारे में कुछ लाइनें कुछ सत्रें अगर याद आए तो सुनाओ ना सबसे एक मिनट मैं जरा अपना लैपटॉप खोलता हूँ शायद उसमें मेल में कुछ अच्छा कुछ मिले और अपने अमीर हमजा की बात तो सांझी की पर दास्तान गोई की ट्रेडिशन के बारे में कुछ बताओ कब से शुरू हुई इसकी हिस्ट्री क्या है और अपने बिल्कुल, अपने वतन में कब से शुरू हुई जब तक आप ढूंढ रहे हैं तब तक अगर अगर आपको मल्टीटास्किंग की आदत है यानी कि देखते कुछ जाओ बुड़बुड़ कुछ करते जाओ तो जी सदके मैं आपको मेरे कान हाजिर दास्तान दास्तान गोई का खेल जो है वो ये है कि दास्तान अमीर हमजा दास्तान गोई जो आपने सुना दास्तान गोई फारसी वर्ड है दास्तान का मतलब एक लंबी तूला कहानी और गोई इन फारसी मीन्स टू स्पीक उसी से आपने गोया आया तो दास्तान गोई मतलब दास्तान सुनाने का फन और हालांकि अमीर हमजा जो हैं वो द हिस्टोरिकल फिगर वाज प्रॉफिट मोहम्मद अंकल एंड ही वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ द इस्लामिक आर्मी बट जैसे जैसे इस्लामिक एक्सपेंशन होता गया वो अमीर हमजा की जो ब्रेवरी और वैलर की कहानियां थी वो साथ साथ फैलती गई और वो एक ऐसा पॉइंट आया कि दे ट्रिप इंटू फैंटेसी इंटू माइथोलॉजी जैसे किंग आर्थर के साथ है और फिर वो उसके अंदर जो है और भी दास्तानें ख्याली कहानियां जो हैं वो जुड़ने लगी एंड एक लेवल ये आया कि इटसेल्फ बिकम अ जॉनर ऑफ स्टोरी टेलिंग जैसे रामकथावाचक जो है वो सिर्फ रामायण की कहानी सुना रहा है या पांडवानी जो है सिर्फ पांडवों की कहानी सुना रहे हैं दास्तान गोई जो है वो सिर्फ दास्तान अमीर हमजा सुनाने की प्रथा है सिर्फ जिसमें अमीर हमजा की कहानियां सुनाई जाती हैं तो ये कहानियां जो है ये प्रथा जो है ये फैली और ये इस तरह से फैली कि आप समझिए कि अरेबिया से निकली तो पर्शिया सेंट्रल एशिया नॉर्दर्न अफ्रीका सदर्न यूरोप और वहाँ से साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया चाइना तक ये दास्तानें जो हैं फैली जैसे इसका एक मशहूर किस्सा है कि अल्बर्ट नॉर्थ और मिलमन पेरी जो दो लिंग्विस्टिक्स थे तो ये लिंग्विस्ट थे तो ये लोग जो थे दो लिंग्विस्ट ये बार्डिक ट्रेडिशन पे काम करना चाहते थे होमर का जो बार्डिक ट्रेडिशन है और इन्हों ओरल कल्चर पर काम करना चाहते थे तो इन्होंने ये एक प्रिजम्पशन किया अपने थ्योरेटिकल अपने मॉडल में कि जहाँ पे लिटरेसी कम होगी वहाँ पे ओरल कल्चर हाई होगा तो ये रिसर्च करते हुए बॉस्निया हर्ज़ेगोविना उधर यूरोप में पहुँचे बार्डिक ट्रेडिशन की रिसर्च करते हुए और वहाँ उन्होंने रियलाइज़ किया कि रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो रोजा खोलने के बाद दास्तान अमीर हमजा सुना करती थी तो सदर्न यूरोप में ट्रेडिशन था दास्तान अमीर हमजा सुनने का ईरान में था टर्की में था हिंदुस्तान में था तो हिंदुस्तान में जब ये पहुंचा तो इतना मकबूल हो चुका था कि आप ये समझिए कि
बादशाह अकबर के जमाने तक ये दास्तानें इतनी मकबूल हो चुकी थी कि बादशाह अकबर को जो है उन्होंने मुगल आर्ट हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन किया। उन्होंने इन दास्तानों को इलस्ट्रेट करवाया कैनवसेस के ऊपर, 6 फीट बाय 3 फीट कैनवसेस होते थे और उनपे ये कहानियां इलस्ट्रेट की गई और तकरीबन आप ये समझिए कि 1200 फोलियोस पेंट किए गए थे और 18 साल लगा था इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में और इसको हमजा नामा कहा जाता था इस प्रोजेक्ट को। और फिर ये दास्तानें जो हैं ये रिवायत ओरल ट्रेडिशन जो है वो फैलता गया। अच्छा दास्तान गोई जो है भाई जी वो इतना कहानी सुनाने पे जोर नहीं था, वो एक्चुअली दास्तान गो जो कहानी सुना रहा है उसका जो वर्चुआसो कहानी सुनाने का तरीका है कि वो कितनी देर अपने बयान से ऑडियंस को बांध के रख सकता है, स्पेल बाइंड कर सकता है, वो हुनर माना जाता था। कहानी तो बड़ी स्केलेटल सी होती थी, उसमें भाई आप एक जादूगर है एक अय्यार है वो आएगा उसको बेवकूफ बनाएगा मार डालेगा, तो उसमें कुछ कहानी में कोई ऐसे दाव पेच नहीं होते थे, वो बड़ी सिंपल सी स्केलेटल सी कहानी होती थी जो आप ग्रीक ट्रेडिशन से चली आ रही है कि भाई कॉन्टेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट है रेजोल्यूशन है, तो वो सिंपल मॉडल होता था कहानी का। लेकिन उसमें आप कितनी देर कहानी को रोक कर अपने बयान से जो है ऑडियंस को बांध के रख सकते हैं ये जो है बड़ा हुनर माना जाता था, इसको दास्तान रोकना कहा जाता था। तो अब जैसे दास्तान रोकने में मैं अक्सर जैसे एक मिसाल देता हूँ कि साहब एक दास्तान गो जो है वो नवाब साहब को कहानी सुना रहे थे, तो सुबह का वक्त था और उन्होंने उनकी दास्तान में शहजादा जो है वो जंग के मैदान में घोड़े पे सवार हो रहा था। अब शहजादा जंग के मैदान में घोड़े पे सवार हो रहा था, उसने एक पैर जो है रकाब में रखा दूसरा पैर हवा में था कि उन्होंने दास्तान रोक दी। अब उनका बयान शुरू हुआ, घोड़े की दुम घोड़े की सुम, घोड़ा अरबी था कि तुर्की था, पानी के रास्ते से आया कि जमीन के रास्ते आया, किस किस किस्म की घास खाता है, कैसे कैसे घोड़े होते हैं और घोड़े के ऊपर वो शहजादा उसका जरी उसका बख्तर उसका तोख और वो साहब उसकी तलवार और उसके चेहरे पे उड़ता हुआ वो उसके बाल उसकी जुल्फें और उसके चेहरे पे वो आता हुआ रंग और साहब वो दुश्मन की सामने फौज उनकी अलगार और वो चरख तक उड़ता हुआ गुबार, वो शाम तक ये डिस्क्रिप्शन चलता रहा। तो नवाब साहब ने कहा भैया उसका पैर नीचे करवा दो, हवा में लटकाया हुआ तुमने सुबह से उसका पैर। तो ये इस हुनर को कहते हैं कि दास्तान रोकना, जहां पे आपने कहानी का प्लॉट जो है वो एक जगह रोक दिया। अब जैसे एक दास्तान है कि साहब एक दास्तान को कहानी सुना रहे थे, उनकी दास्तान में शहजादा जो है बड़े 20-30 साल की मशक्कत के बाद जो है वो पहुंचा है शहजादी के दरवाजे पे। अब वो शहजादी के दरवाजे पे है और वो वहां पे जाता चाहता है कि पर्दा उठाए और अंदर जाए कि साहब खबर आई कि साहब आपकी बीवी बीमार है आपको गांव जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने शागिर्द को वहां खड़ा किया और उनसे ये कहा कि भैया मैं गांव जा रहा हूं, 4 दिन में जब तक मैं वापस ना आऊं तुम पर्दा ना उठाना। अब साहब वो शागिर्द जो है वो बयान में घुस गया इधर उधर के डिस्क्रिप्शन में, उसने शहजादे को कमरे के अंदर जो है हुजरे के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। जब एक हफ्ते के बाद दास्तान को उस्ताद वापस आए तो उन्होंने कहा उस्ताद जी मैंने पर्दा नहीं उठाया अभी तक। तो इसको कहते हैं दास्तान रोकना। तो ये जो हुनर था ये बहुत बड़ा हुनर माना जाता था और दास्तान गोई जो है इस हुनर के बारे में था। अब ये दास्तानें जो हैं ये जब मकबूल होने लगी, आप ये समझिए कि उस जमाने में कोई भी नवाब कोई भी रऊसा कोई भी इसे कहते हैं रसूख वाला आदमी होता था तो उसके आप समझिए अंतराज में एक दास्तान गो या कहानीकार जो है वो जरूर होता था। तो जब ये कहानियां मकबूल होने लगी, ये ओरल ट्रेडिशन बहुत रिच बहुत फैलने लगा और ये बड़ा अर्बन ट्रेडिशन था, तो मुंशी नवल किशोर जो नवल प्रेस लखनऊ में रन करते थे और उन्होंने जो है तरह तरह की चीज़ें बेसिकली जितना भी ओरल ट्रेडिशन में और बेसिकली जो भी टेक्स्ट उस जमाने में मकबूल था मशहूर था सबको जो है छापना शुरू किया और वाइडली प्रोवाइड करना शुरू किया। तो मुंशी नवल किशोर ने क्या किया कि अपने बड़े बड़े जो दास्तान गो थे उनको कमीशन किया और कहा कि आप ये किताब ये कहानियां जो सुनाते हैं इनको आप जो है कलमबंद कीजिए, मैं इसको पब्लिश करूंगा। तो आप ये समझिए कि दास्तान अमीर हमजा तब तक पूरी दुनिया में जो पूरी कहानी फैली हुई थी वो एक वॉल्यूम में छप सकती थी और 1854 में कलकत्ता से पहला उर्दू में एडिशन आया था दास्तान अमीर हमजा का जो वॉल्यूम था और फिर बाद में 1879 में दूसरा एडिशन आया वो वन वॉल्यूम था। लेकिन जब इन्होंने नवल किशोर साहब ने छापना शुरू किया और दास्तान गोयों ने लिख लिख के नई दास्तानें देना शुरू किया
तो वो कहानी जो पूरी दुनिया में एक जिल्द में थी, एक वॉल्यूम में थी, दास्तान अमीर हमजा की, वो 1883 से लेके 1917 तक के बीच में जब छक के आई तो 46 वॉल्यूम्स निकल के आए और हर एक वॉल्यूम तकरीबन 1000 पेज का था। तो दास्तान अमीर हमजा एक तरह से आप ये समझिए कि दुनिया की सबसे लंबी दास्तान बन गई। इतनी लंबी दास्तान दुनिया में न किसी जबान में, न किसी खत्ते जमीन पर, न किसी कल्चर में लिखी गई है, जहाँ सिमिलर सेट ऑफ स्टॉक कैरेक्टर्स जो हैं वो 46 वॉल्यूम्स में 46,000 पेज तक फैले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अदबी कारनामा बना हिंदुस्तान का। और उसके बाद जो है आप ये समझिए कि जब ये दास्तानी रीप्रिंट्स में जाने लगी, तो आपको तो पता ही है हिंदुस्तान जुगादरियों का मुल्क है, तो एक साहब का दिमाग चला, तो उन्होंने पंडित देवकी नंदन खत्री को कमीशन किया और कहा कि भाई जरा इसका एक हिंदुआइज्ड वर्जन निकालो। तो पंडित देवकी नंदन खत्री ने क्या किया कि उन्होंने फौरन अमीर हमजा को चंद्रकांता बनाया और फिर चंद्रकांता के 11 वॉल्यूम्स और आ गए। तो ये जो रिच लिटरेरी ट्रेडिशन है, ये बेसिकली दास्तान गोई का ट्रेडिशन है जहाँ पे अमीर की दास्तानें सुनाई जाती है। इसमें आपके रिसर्च में, क्योंकि ये जो आप सारी अमीर हमजा की गाथा जो सुनाई आपने, मतलब सारा जो एडवेंट जैसे हुआ, पहले जर्नैल थे इस्लामी आर्मी के, हमारे जो तवारीख में ढाडियों का गाना रहा, ढाडियों की वारें होती थी, वो भी वीर गाथाएं होती थी, जैसे कुर्बानी में भी हमारे बहुत ही यूनिक सिलसिला रहा, और ढाडियों के बीच में जो रवायत थी वो भी दोनों है, यानी कि कविशरी भी साथ चलती थी, कहानी कारी चलती थी, और बीच में फिर गाने के साथ वो वाकया बताया जाता था। सो जो क्लासिकल ट्रेडिशन रही उसमें भी रही बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की जो योद्धे थे, खास करके जैसे टुंडे असराजे की धुनी आसा दीवार, गुरु नानक ने उसको अडेप्ट किया और लिखा है गुरु ग्रंथ में कि आसा दीवार टुंडे असराजे की धुनी विच गावनी है ना, राय बहलामे राय जो बड़े बड़े योद्धा हुए उनकी शहादतों के बारे में गाथाएं जो ढाडी गाते थे वारें। और फौज, जैसे आपने बताया कि मुगल दरबार के साथ जो या सुल्तान के साथ या बादशाह के साथ दास्तान को जाते थे, उसी तरह मुगल दरबार में ढाडी भी होते थे, और गुरु साहब गुरु हरगोबिंद जी के वक्त से ढाडियों की रवायत रही जो फौज के साथ अटैच होते थे, सिर्फ वो फौजी बैंड नहीं होता था, वो वीर गाथाएं उनको जोश भरते थे, उनकी जो यानी कि हाल देखी, इतने बड़े कविशर होते थे जो आज के युद्ध में, आज के बैटल में अगर किसी ने शहादत प्राप्त की है उसी वक्त उसके बारे में काव्य अनुवाद करके उसकी गाथा से शोक भी मनाते थे, और अगले दिन सूर्य उदय होने तक तैयारी करके युद्ध में कूच करने के लिए प्रेरित भी कर जाते थे। अब जैसे वारों का गाना बड़ा बड़ा अद्भुत होता था, जैसे क्योंकि हमारे खानदान में अभी भी चीजें बची हुई है, जैसे श्री राग की वार है जी, या रामकली की वार है, बड़ी रेयर है, जो मुझे नहीं लगता हमारे घर के अलावा आप किसी को याद रही हैं, वो बहुत ही यू नो स्पेक्टेकुलर होती थी। मेरा गला गुला बैठा है, क्वारंटीन में बैठा हूँ मैं, लेकिन आपको सुना देता हूँ जो उसकी अडेप्टेशन उन धुनों की गुरबानी में जो हुई, जैसे एक है जी ढाडी हर प्रभ खसम का ये धटकता, ये पखावज का मकान लगता था बीच में, मकान लगाना कहते थे उसको, यानी कि रिदम टूट कर छोड़कर अकाल में जाकर उसके साथ मकान लगाते थे। सो ये इस तरह की या रामकली की वार हो गई, और सच तखदर छाया, सच तखदर छाया, वाह वाह तखदर छाया, बैसन को जाई, सब कुछ आपे आप है, वाह वाह आपे आप है। इस तरह करके फॉर एग्जांपल वारों की पौड़ियां लगती थी, जिसमें एक गाथा अगर सुनाई है तो वो पौड़ी की धुन लगाकर काव्य निबद्ध बजाकर उस सेक्शन को, उस चैप्टर का अंत किया जाता था, और फिर अगली गाथा शुरू होती थी। और फोक में भी अगर हम देखें, पंजाब का जो फोक रहा उसमें जो अखाड़े लगते थे ढाडियों के, जस्सी भी उस दिन बात कर रहे थे, और हम मेरा ढाडियों के साथ उस्ताद विलायत खान रागी, औरों के साथ इशराज दचकानी, ईदू शरीफ, और भी तमाम जो पुराने बुजुर्ग चले गए, अब तो आज से 15-15-20 साल पहले जो चले गए,
उनमें एक रवायत थी जैसे कहते थे कि सुबह हो जाएगी रात का अखाड़ा लगाए कि हीर को जन्मने नहीं देना, यानी कि वो मकान रोक के रखना उसके जन्म से पहले की, मतलब लोगों को व्याकुल करके रखना एकदम रोक कर, जैसे तुमने कहा दास्तान को खड़ा कर देना, तो ये उसके साथ ढाडियों का और दास्तान गोई में कोई रिलेशनशिप पाया आपने फील्ड वर्क करते हुए, रिसर्च करते हुए? ये दोनों ट्रेडिशंस कैसे हमारी, जैसे रामायण, बिफोर यू स्टार्ट, रामायण हो गई, महाभारत, ये भी दरअसल दास्ताने हैं, ये भी रवायत, इनको गाने का पढ़ने का यानी कि बड़ा पुराना ट्रेडिशन है, उसके बारे में बताएं अगर आपने तुलनात्मक कोई एस्पेक्ट, ऐसे एसेट कोई सामने आया। जो ये ट्रेडिशन है ना, ये एक जनरल ट्रेडिशन था, क्योंकि अगर आप जैसे उन्होंने असगर वजाद साहब ने जो नॉवल लिखा है बाकरगंज के सैयद, और उसमें वो एक बहुत एक लंबा डिस्क्रिप्शन है औरंगजेब की फौज का, अंतुराज का, जो वो जा रहा है और उसमें वो बयान कर रहे हैं कि किस किस तरह के, मतलब वो मीलों तक चला जा रहा है अंतुराज, और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या क्या उनका काम है। तो ये जो आप ये जो चीज कह रहे हैं, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन जो था ना, इस पे बड़ी महारत थी हिंदुस्तान में, और हर तकरीबन जैसे चाहे पंजाब में किस्सा हीर रांझा सुना रहे हैं, या बाकी जो दास्तानें हैं शुशु पन्नू की, वो कहानियां सुना रहे हैं गा के, जो जो इसे कहते हैं नोमैडिक बार्ड्स होते थे, राजस्थान में राजपूतों की जुड़ी गाथाएं, वीर गाथाएं, बिल्कुल, या छत्तीसगढ़ के इलाके में जैसे पांडवानी हैं। तो ये हमारा एक ट्रेडिशन था कि जहाँ पे हम बयान पे जो है वो बहुत जोर होता था, और खास कर एक जो भी सुनाने वाला होता था वो इतना रिपोजिटरी होता था नॉलेज का, कि वो उसी वक्त खड़े खड़े इम्प्रॉम्प्टू अपने बयान को जो है बदल ले। अब जैसे मीर बाकर अली जो आखिरी दास्तान वो थे, उनका दिल्ली में इंतकाल हुआ 1928 में, तो मीर बाकर अली जो है वो अब दास्तान सुना रहे हैं, तो उसमें साहब वो जेवरात का जिक्र कर रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे जेवरात का जिक्र कर देते थे कि खवातीन जो पर्दे के पीछे से सुन रही होती थी, वो अपने शौहरों से डिमांड करती थी कि भाई हमें जो वो जेवर दास्तान साहब दास्तान में मीर जी ने सुनाया है वही पहनना है। अब वो जाते थे जौहरी के यहाँ, तो जौहरी कहते थे भैया हमने तो सुना ही नहीं है इस जेवर। फिर बाद में सारे जौहरी आते थे मीर के पास, मीर साहब वो आप अपनी दास्तान में ऐसे भयंकर भयंकर जेवरों का जिक्र कर देते हैं, हमारे पल्ले पड़ता नहीं है, और कस्टमर हमारी जान खा जाता है कि हमको तो यही जेवर पहनना है जो मीर साहब ने अपनी दास्तान में सुनाया है। अब जैसे आप समझिए आखिर दौर में अपने बुढ़ौती में वो तिब्बिया कॉलेज में, यूनानी मेडिसिन के कॉलेज में जाके क्लास में बैठते थे मीर साहब, तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई मीर साहब इस उम्र में क्या आप अपना पेशा बदलना चाहते हैं, आप दास्तान गो से हकीम बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हकीम नहीं बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर दास्तान सुना रहा हूँ और इसमें कोई बीमारी का, किसी अमराज का, मर्ज का जिक्र आ जाए, मर्ज का, तो मैं कम से कम उसके बारे में फैक्चुअल बातें कह सकूँ और बेसर पैर की ना फेंकूँ। तो वो कहने का मतलब ये कि ये जो कहानीकार जो थे, दास्तान गो जो थे, वो कल्चरल रिपोजिटरी थे अपने ज़माने के। और क्योंकि आप देखें प्रिंट तो बहुत बाद में आया ना हिंदुस्तान में, और ख़ासकर प्रिंट जो है, पब्लिक प्रेस जो है, वो लेट 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी में आई है, बेसिकली अर्ली 19th सेंचुरी और मिड 19th सेंचुरी में, और ख़ासकर मिड 19th सेंचुरी में पंजाब में जो एक पूरा वेव आया प्रेस प्रिंटिंग प्रेसेस लगने का, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ जो शाहमुखी में और उर्दू में जो चीज़ें छपी वो पंजाब में, लाहौर में, और जो उस तरफ जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी, तो ये सारा ट्रेडिशन तो भाई 150 साल पुराना है ना छपने का। उससे पहले तो छपाई कहाँ होती थी, एक आध कोई कागज कहाँ होता था, वो सब कुछ जबानी चलता था। तो ये जितने जो बार्डिक ट्रेडिशंस हैं हमारे, जैसे आपने अभी बताया कि साहब वो वहीं खड़े खड़े काव्य जो है पूरा उसका खड़ा क्रिएट कर दिया और वहीं खड़े खड़े जो है कहानी सुना दी, तो ये दीज वर दी पीपल हु आर एक्चुअल, जैसे आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट या कल्चरल रिपोर्टर हैं, और एंड बिसाइड्स दैट दे वर एंटरटेनर्स, मतलब दिस वॉज अ ग्रेट ट्रेडिशन वेयर देयर वाज अ मैरिज ऑफ परफॉर्मेंस एंड लिटरेचर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, and not only performance and literature getting married, it was also in some sense becoming a documentation for that age, oral documentation. ये जो ढाडी या जितने भी दास्तान को स्टोरी टेलर्स होते थे, जैसे कुछ परंपरा थी खड़े होकर वो जीनियोलॉजी ही पढ़ते थे, कुछ ऐसे जैसे जमींदारों के यहाँ जो नोबल कई रईस होते थे, सरदार होते थे,
उनके अपने भी निजी, जैसे कहें ढाडी और रबाबी और जो जेनियोलॉजी कीपर्स जो थे, वो लोगों को, मतलब इट्स क्वाइट अ स्पेक्टेकुलर रेंडिशन ऑफ थिंग्स. तो क्या ये ऐसा हुआ कि मतलब सिर्फ राजों में रहा, या देखने में आया दास्तान गोई जो है वो और जो अमीर या रईस थे उनके पास भी ये फैशन, मतलब इट बिकेम शिक एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ वेरी प्रेवलेंट. दास्तान गोई एक्चुअली इज नॉट अ फोक ट्रेडिशन, इट इज अ वेरी अर्बन ट्रेडिशन. तो और ये खासकर बड़े एलीट लोगों में था वो, और उसकी जबान सुनने से भी पता लगता है. अभी मैं आपको थोड़ा सा उसका टुकड़ा सुनाऊंगा. हाईली पर्शनेटेड, हाईली यू नो ऑर्नेट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज. तो इट वाज अ वेरी अर्बन एलीट काइंड ऑफ एन आर्ट फॉर्म, एंड इट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय ऑलमोस्ट एनी नोबल मैन, कोर्टियर, वेल्दी मैन ऑफ एनी रिप्यूट, हूएवर हैड सम रिसोर्सेज एंड हू कुड अफोर्ड अ स्टोरी टेलर इन देयर एंटूराज, वो एक उसको नौकरी पर रख लेते थे. और बाकायदा रियासतों के बीच में जंगे हुआ करती थी कि भाई वो बड़े अच्छे दास्तान गो हैं, उसको जो है साबोटाज करके ज्यादा पैसे दे के अपने दरबार में बुला लाओ. तो ये बाकी बाकायदा जंगे हुआ करती थी. तो ये इट वॉज अ वेरी वेल एक्सेप्टेड, वाइडली एक्नोलेज्ड, एंड अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ हैविंग अ पर्सनल स्टोरी टेलर. मैं नॉट ओनली जैसे अब हम कोर्ट जस्टर का जिक्र सुनते हैं, भांड का जिक्र सुनते हैं कि दरबार में कोर्ट जस्टर्स होते थे, भांड होते थे, ऐसा नहीं, जो नवाब और जो छोटे लेवल पे भी लोग होते थे जिनके पास कुछ जरिए होते थे, तो वो दास्तान गो जो है वो अपनी नौकरी अपनी मुलाजमत पर रखते थे. और यही सब जब स्पेशली आफ्टर 1857 देखिए 1857 बहुत बड़ा मील का पत्थर है हमारी हिस्ट्री में, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारी हिस्ट्री में. और जो कॉन्सेप्ट है कि साहब एक एक मुकम्मल एक मुल्क होने का, वो कॉन्सेप्ट काफी उस 1857 के जमाने से शुरू हुआ. उससे पहले भी रियासतें हुआ करती थी, बादशाहत होती थी, और एक वेग आइडिया था. बट द वे वी अंडरस्टैंड मॉडर्न इंडिया इज समथिंग विच इज Come to us post 1857. तो उसमें जो है जब रेबेलियन को क्रश किया गया, तो खासकर जो मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी थी, नोबिलिटी थी, उसको बहुत क्रश किया गया, क्योंकि बहादुर शाह जफर वाज द फेस ऑफ द रेबेलियन. तो उसमें क्या हुआ कि ये सारे जो ये दास्तान वो थे, इनके पेट्रनेज खत्म होने लगे. उसके अलावा फिर पूरा जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, जहाँ सर सैयद ने और मोहम्मद हुसैन आजाद ने और मौलाना हाली ने, इन लोगों ने खासकर बहुत जिसे कहते हैं क्रिटिसाइज किया जो मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी थी और उनका कल्चर था कि बहुत ही डिकेडेंट कल्चर है और हमको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए. एंड देन द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और उसके बाद फिर रशियन रेवोल्यूशन आना, और वो द होल प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट वेयर आर्ट शुड बी फॉर अ कॉज एंड नॉट फॉर प्लेजर. तो ये सारी दास्तानें और ये सब जो ट्रेडिशन था, इसको बहुत प्यूराइल और बहुत ही फैंटेसी और बहुत ही जैसे कहते हैं वक्त की बर्बादी और डेकेडेंट कल्चर का प्रतीक माना जाने लगा. तो इससे जो है इसका निगलेक्ट शुरू हुआ, और फिर उसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी आने लग गई. सिनेमा आ गया, रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, और इस टेक्नोलॉजी ने जो है आवाम को इमेजिनेशन जो है कैप्चर शुरू करने दिया. सो देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स, यू नो द पॉलिटिकल टर्मोइल, द वर्ल्ड वॉर्स, द काइंड ऑफ वे societies and political ideologies were churning, के भाई एक modernism की तरफ जा रहे थे, और उसके साथ साथ technology. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि a lot of these things they kind of vanished away into oblivion. Some were neglected and were belittled consciously by people, and some they just lost out in the race. और चीज़, आई थिंक 1857 के 90 साल बाद जो 1947 में हुआ और 1950 में जो हुआ, उससे एक सिर्फ दास्तान गोई वॉज वन ऑफ द विक्टिम्स अलॉन्ग विद सिंगिंग. जैसे रजवाड़ों के जो टाइटल्स ले लिए गए, उनके जो पेट्रनेज का जो आसरा था, सहारा था, चाहे वो वीवर्स हैं, स्पिनर्स हैं, पॉटर्स हैं, पेंटर्स हैं, तमाम किस्म यू नो कागज बनाने वाले, रंग बनाने वाले, गाने वाले, तमाम फोक ट्रेडिशन से लेकर क्लासिकल ट्रेडिशन से लेकर, और जो भी कोर्ट्स के साथ अटैच होते या रईस जो रजवाड़े थे बड़े, जिनकी ज़मीनें होती थी,
अपने अपने रियासत के बीच में, फीफडम के बीच में कोई अगर गांव विद्वानों का है तो उनकी परवरिश करना, उनका ध्यान रखना, वो अपनी यानी कि एक डिग्निटी का हिस्सा होता था उनका कि हमारे इलाके में इतना बड़ा विद्वान बंदा रहता है। तो वो आई थिंक 1857 के बाद, हाँ, कि मुगल सल्तनत का टूटना और देखा कि हमने रामपुर और कलकत्ता वसा उसके बाद, यानी कि जो पेरिफेरल जो सेटेलाइट टाउनशिप्स जो थी, जो जिनका अंग्रेजों के साथ समझौता था और उनकी जिनके पास आमदन थी, जो म्यूजिशियंस यहाँ दिल्ली से टूटे, वो जैसे मीर नासिर अली, मियां तानसेन के वंशज, उनको कपूरथला की रियासत के महाराजा ले गए वहाँ पे, अदरवाइज उनको भी एग्जाइल करने लगे थे अंग्रेज। सो इस तरह करके वो बसे, एक तो वो था, पर वो सिलसिला चलता रहा। हाँ, मुगल दरबार में जो थे लोग वो बंट गए और जगह पे, कुछ कलकत्ता वगैरह वगैरह, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि कलकत्ता somehow was a capital तब तक, तो दे वर ऑल देयर, क्योंकि पेट्रोनेज था वहां, पैसा था। 1947 में जो एक सडन, यानी कि बगैर, जिसका मैं बहुत सीरियस क्रिटिक हूँ के, या क्रिटिक देता रहा हूं, कि आप अगर कुछ सिस्टम बदल रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, जिसमें जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं हमारे वतन के, उनकी परवरिश होती आई है, उनका उनका विस्तार होता आया है, उनको बरकरार रखा जाने का एक सिलसिला बना हुआ है, तालीमाती सिलसिला कहें, संध्या विधि कहें, आप अचानक तो उसको रद्द नहीं कर सकते ना। आपको इंतजाम, हाउ डू यू ट्रांजिशन फ्रॉम मेमोरी, यू नो, मेमोरी कीपिंग टू समहाउ आप सडनली उनको कह रहे हैं कि भैया अब आपकी पेट्रोनेज नहीं, अब आपको जीने के लिए काम भी करना पड़ेगा। अब दीज आर 24/7 एंडेवर्स, क्योंकि इतनी बातें थी याद करने वाली कि वो बगैर आप सारा दिन और जिंदगियां लगाने के, आप इतनी आबादी है हमारी व्यर्थ जा रही है, जब हमारे इतने टेंजिबल एसेट्स जो मर चुके हैं, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आखिरी बात इसमें जोड़ने, इसे उसके बाद आप इसका कुछ आप कहें इसके बारे में, मेरे दादा भाई, उन्होंने 492 बंदिशें लिख दी जो रेयर थी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थी, बहुत यानी कि सिर्फ भाई मोती रबाबी के पास थी, हमारे पास थी, कुछ और दो चार खानदान थे जिनके पास वो गुरु साहब की ओरिजिनल रचनाएं जो थी, बाकियों के पास गाना बड़ा अच्छा अच्छा था, पर खास जो एक महंगा इल्म जिसे कहा जाता था, वो उनमें से कुछ चीजें उन्होंने लिख दी। एक बात कहते थे वो बाद में, कहते कि जब तक तो लिखा नहीं था ना, छापा नहीं था, तब तक एक बोझ था कि इनको याद रखा जाए, जब लिख दिया हम बेफिक्र से हो गए, हमने गाना बंद कर दिया, हमने सोचा लिख दिया अब खत्म हो गया। यानी कि आप जो प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं ना, लिख के सोचता है बंदा कि चलो अब तो रेफरेंस मिल गया, पर पहले लोग याद किया करते थे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे आप देखिए आज के दौर में क्या है, पहले हम लोग जो थे सबको कितने कितने फोन नंबर याद रहते थे, क्योंकि आप एड्रेस बुक देखनी पड़ती थी, तो आपको जो तकरीबन 15-20-25 जो अहम फोन नंबर्स होते थे जिंदगी में, वो हर आदमी को जबानी याद होते थे। आज आदमी को एक भी फोन नंबर नहीं याद है, क्योंकि सब सेलफोन पे फिंगर डायल पे है, वॉइस डायलिंग के ऊपर है, आपने खट से बोला डायल हो गया। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब आदमी को कुछ सहूलत मिल जाती है और शरीर जो है वो आसक्ति होता है, वो हमारे DNA में इनग्रेंड है, बिकॉज आर DNA हैज बीन इनग्रेंड टू कंजर्व एनर्जी, because we were hunter gatherers and we didn't know when the next source of food will come, so whatever energy we have we must conserve, and that is the reason wo aaj tak jo hai wo hamare DNA mein, sharir jo hai wo askati hai, usko aaram hi chahiye, wo aaram talab hai, to wo dimag pe zor nahi dalne dega, to jaisi bhai cheez publish ho gayi, record ho gayi, document ho gayi, ab aapko aap mutmain ho gaye ki bhaiya ye reference samne aa gaya hai, ab mujhe दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ओरल ट्रेडिशन में तो आप पे ये दायित्व था कि आप मेमोरी को बार 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 रिफ्रेश करते रहें, उसको उसके ऊपर जोर डालते रहें, जिससे कि चीजें जो है आपको याद आती रहें, बयान जो है आपको याद आता रहे। उसके अलावा दूसरी चीज जो है वो आप जो 1947 की बात कर रहे थे, वो आपकी बिल्कुल सही बात है कि भाई एक पेट्रोनेज चला आ रहा था जो कितना भी टूटा हो फूटा हो, लेकिन किसी तरह से वो सस्टेन कर रहा था। एंड देन व्हेन 1947 हैपेंड, इट वाज अ ग्रेट डिसरप्शन इन दी हिस्टोरिकल टाइमलाइन, और जो जितने भी रजवाड़े थे, स्टेट्स जो थे, वो एसिमिलेट हुए इंडियन यूनियन के अंदर। और फिर 1951 में जो जमींदारी अबॉलिशन एक्ट आया, जिससे लॉट ऑफ पेट्रोनेज हैड गॉन डाउन टू द जमींदारी लेवल, वेयर भाई थोड़ा से रउसा थे, खेत थे, बागान थे, एक आध 3-4 गांव किसी के पास हैं, तो उसके पास थोड़ा रसूख होता था, तो वो भाई किसी म्यूजिशियन को, किसी आर्टिस्ट को बुला के रखा, 1-2 महीना अपने घर पे रखा,
खूब दही मक्खन खिलवाया और उसी साथ जो है बीच बीच में जो है थोड़ा बैठक लग जाती थी। तो वो सारे ट्रेडिशन जो है बिकॉज ऑफ दैट जमींदारी अबॉलिशन एक्ट वो जो है खत्म होने लगे। और उसके बाद जो स्टेट पेट्रोनेज आई वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो गई। वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आर्टिस्टों को ग्रेड करने लगे और वो जो पालुस्कर साहब और भातखंडे साहब के जो नियम लगे, संगीत हो गया, क्लासिकल म्यूजिक कुछ और हो गया। तो उस सब से जो है वो आर्टिस्ट बहुत कहते हैं मुश्किल दौर से गुजरे। और तो बाद में कल्चर आया कि जहां आर्टिस्ट जो हैं वो बाकायदा कॉन्सर्ट्स देने लगे और फिर रिकॉर्डिंग करने लगे और फिर उनको जो है एक तरह इमेज मिलने लगी। बट अदरवाइज पोस्ट 1947 से लेकर एटलीस्ट फॉर अ गुड टू डेकेड्स ऑर समथिंग देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्डशिप फॉर आर्टिस्ट। देयर वाज नो ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाटएवर पेट्रोनेज दैट दे वर हैविंग एंड टू व्हाट द स्टेट पेट्रोनेज। एंड उसमें भी फिर आप जानते हैं इंसान कैसा होता है, स्टेट पेट्रोनेज में भी फिर लोगों ने अपने अपने क्लीग्स बना लिए, अड्डे बना लिए। तो ये नहीं था कि कोई इतना डेमोक्रेटिक नहीं था कि भाई आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो शर्ती आपको पेट्रोनेज मिल जाएगी। वो आपको फिर किसी का जूता उठाना है, कुछ चापलूसी करनी है तो तब आपकी रसाई होगी। तो ये सब चीजों से जो है हमारे मतलब ये सैल्यूट करना पड़ेगा हिंदुस्तान के आर्टिस्टों को कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को सस्टेन रखा। क्योंकि भाई स्टार आर्टिस्ट तो एक ही दो बनता है ना सर, बाकी सब तो आम आदमी आम जिंदगी में चल रहा है ना। तो ये उनको हिंदुस्तान के आर्टिस्टों को सैल्यूट करना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी रिवायतों को जिंदा रखा और उन्होंने कभी मिली पेट्रोनेज कभी नहीं मिली लेकिन अपने जो हुनर और फन है उसको छोड़ा नहीं। पर एक तो जैसे आजकल मॉल के आने से यानी कि क्या अमेज़न जैसे बड़े बड़े जो बिक्रीकार आ गए हैं कंसोलिडेटेड, उसके आने पे हमारा जो लोकल बिक्रीकार है वो खत्म हो रहा है। एक एक प्रोडक्शन लाइंस जो बन गई हैं, जो हमारा जूती जो लोकल बनाता था, मोची होते थे, हर मोची जो होता था अड्डे पे बैठा हुआ वो अपने जूते भी बनाता था, वो उसको हुनर होता था और कुछ लोग उसको पसंद करते थे, उसी से पहना, उसी से बना हुआ अपने लोकल मोची का बना हुआ जूता या जूती पहनते थे। आजकल एक अलग सिलसिला बन गया। तो ये जो छपाई और ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री का जो पहले ऑडियो इंडस्ट्री आई तो अचानक कुछ लोग जो जिनका नाम ही नहीं होता था क्योंकि छप गया तवे बजने लगे वो अचानक स्टार हो गए, मशहूर हो गए। और जो लोकल हर गांव-गांव में कहानीकार था, गायक था या उनकी उनकी जैसे कहें वो एक जून ही खत्म हो इवेपोरेट होने लग गई, ये भी देखने में मुझे मिला है। जी जी, क्योंकि वो अब देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दी अर्बन रूरल डिवाइड, द माइग्रेशन हैपनिंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्या बात है सर, क्या बात है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ यू नो इंटरनेट। ये मैं खा किस लिए रहा हूं, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच भाई बिदी, मैंने कहा था कि मैं केक रखूंगा। बिल्कुल खातून हजरात, ये मेरी खुशकिस्मती है आज मेरा जन्मदिन है और आज ही के दिन उन्होंने मुझे मधु किया है और आप सबको बहुत 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 धन्यवाद की ललचा के खा रहा हूँ, तुम तो खा नहीं रहे जी। मैं आपसे फिर नाश्ता करूंगा अच्छे से बैठ के। अच्छा, बड़ी देर बातें हो गई, लोगों की तो बहुत फरमाइशें हैं, वो चाह रहे हैं आपकी कविता सुनना, कुछ अपनी रचनाएं सुनाइए अगर आप। माशाल्लाह जन्मदिन है, पर हम आपको, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह। उर्दू में सालगिरह ही कहते हैं ना हम, तो हैप्पी बर्थडे टू यू गा गा कर। जी जी, हम पंजाबी में अगर गाना बनाए तो हम तो कहेंगे ओ मुंडा बड़ा हो गया, हो मुंडा बड़ा हो गया, मुंडा बड़ा मुंडा गुंडा बन गया, मुंडा बड़ा हो गया, मुंडा बड़ा हो गया, मुंडा गुंडा बन गया, मुंडा बड़ा हो गया। अभी बना दिया मैंने वैसे, ये पहले नहीं गाया कभी। मुंडा बड़ा हो गया, मुंडा गुंडा हो गया, मुंडा बड़ा हो गया। चलिए सर, मैं अपनी
इस नज्म का वो जो नहीं कहा गया, वो जो नहीं कहा गया, नहीं नहीं मुझे बट बताइए, उस राज को राज ही रहने दीजिए, वो जो मुकद्दस शय छुपी है हम में, गर यूं ही इजहार कर दी जाए, भक्त से उड़ जाएगा उसका सहर, मैली हो जाएगी उसकी पाकीजगी, और जैसे शीरी मिठाई से लुत्फ अंदोज होते वक्त दांतों बीच आ जाए कोई कागज, ये खूबसूरत गुमान तैर जाएगा आंखों बीच किसी मामूली सच की तरह। थैंक यू। और एक और मैं आपको नज्म सुनाता हूं, इसका उनवान है मेरे चेहरे। जी दो चेहरे हैं मेरे, एक मजलूम शिकस्त खुर्द, बस इतने ही लाचार, बस इतने ही बेजार कि जितना आपके जुल्म की परवास के लिए काफी है, और दूसरा घिनौना मेरी गफलत में डूबा, अनजाना अजनबी मुझसे छुपा मुझसे दूर, इस जुल्म में इतना ही शामिल है कि जितना आप है। वाह वाह। और थैंक यू सर। और एक और मैं आपको नज्म सुनाता हूं, इसका उन्वान है एक नई दुनिया का कायम करना। तुम और मैं तेख तले, तुम और मैं तेख तले, किसी मनगढ़े सच के पीछे, किसी मनचले झूठ से खिंचे, एक नई दुनिया कायम करते नजर आए, दूर कहीं किसी डूबती जहाज के छत पे। वाह वाह वाह। मतलब पुरानी दुनिया नहीं है, नई दुनिया है हुजूर। हाँ, तुम और मैं तेख किसी मनगढ़े सच के पीछे, किसी मनचले झूठ से खिंचे, एक नई दुनिया कायम करते नजर आए, दूर कहीं किसी डूबते जहाज की छत। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। हुजूर, आपने जो इतिहास से हमें जानू कराया, मैं तो शुक्रगुजार हूँ, पर इसकी ट्रेडिशन, मतलब आपका श्रेय रिवाइवल में जाता है, यानी कि जैसे मैं कॉन्जर्वेटर हूँ, रिवाइव करने में मेरी शिरकत रही, आपने दास्तान गोई कि रिवाइवल का मतलब, यानी कि मरी होगी कोई चीज़, ख़त्म हुई होगी चीज़, कोई कोई किसी फ़न को जलील कर कर भुला दिया गया होगा, सब भुला देना सबसे बड़ी जलालत होती है जी, विद्वानों की, उसके उसके विद्वानों, उसके प्रोटैगनिस्ट की कदर ना करनी सबसे बड़ा घिनौना जुर्म होता है, कातिलाना हमला होता है अपनी ही विरासत पर, अपनी अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज पे। तो इसकी जो स्टेट था, अब कैसे है? आप आज मैं जान रहा हूँ कि काफ़ी यानी कि शिक हो चुका है फिर से कहानी बताना, दास्तान गोई बड़े यू नो, इनफैक्ट कल ही मुझे पता लगा कि उस्ताद इकबाल अहमद खां की बेटी जो है वो भी कर रही है, और बेबे नानकी के ऊपर उसने किया है, जिसमें उस्ताद इकबाल भाई हमारे जो हैं वो उसमें आप भी कुछ चीज़ें गाते हैं। तो आज से 15-20 साल पहले तुम लोगों ने शुरू किया, तुम्हारा जो काफला था, बताएं कैसा रहा सफ़र, कैसा था, और आज की आप किस्सेबाजी का रूप आपने दिया है, वो जर्नी बताएं हमें, कुछ बताएं उसके बारे में। अब ज़्यादा जो श्रेय है रिवाइवल का, वो इसमें शमशुर रहमान फारूकी साहब हैं जो उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और फ्रांसिस प्रिशिट जो उर्दू की स्कॉलर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने इन दास्तानों को वापस निकाला, उस पर रिसर्च किया, उसको उस पर मजमून लिखे, किताबें लिखीं, और वापस जो है एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर इन दास्तानों को लेके आया, और फिर 2005 में मॉडर्न दास्तान गोई का रिवाइवल हुआ। और मैं इसे रिवाइवल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा री इन्वेंशन, क्योंकि प्रथा जो है हमें उसका सिलसिला टूट चुका था। 1928 में आखिरी दास्तान गो जो हैं वो गुजर गए थे, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि दास्तान गोई कैसे परफॉर्म होती थी, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं है। एक 3 मिनट है जो लिंग्विस्टिक सर्वे में रिकॉर्ड हुई थी 1920 में, जहाँ 3 मिनट की दास्तान बीर माखर अली ने सुनाई है, तो वही एक 3 मिनट की रिकॉर्डिंग है उनकी आवाज़ की। और उसमें क्योंकि वो 3 मिनट का लूप होता था आरपीएम का, उसी में ख़त्म करनी थी, तो उसमें काफ़ी सांस का और
ब्रेथ का और रेसिटेशन का खेल है जब वो 3 मिनट की दास्तान आप सुनते हैं। लेकिन और एक दो चार किताबों में कहीं मेंशन है कि भाई फलाना दास्तान वो परफॉर्म कर रहा था, या आप समझ लीजिए अमीर बाखर अली दास्तान कर रहे हैं तो वो जब परफॉर्म करते थे तो जब वो बूढ़ी औरत बनते थे तो ऐसा लगता था बूढ़ी औरत सामने आ गई है, और जब वो बादशाह का बयान करते थे तो वो खुद एक बादशाह लगने लगते थे। तो बस देयर आर फेंट डिस्क्रिप्शंस, बट देयर इज नो एज सच बॉडी ऑफ टेक्स्ट और अ मैनुअल व्हिच टेल्स अस, और अ रिकॉर्डिंग और अ लाइव परंपरा। जैसे भाई गुरबानी की एक लाइव परंपरा है, तो आपके उस्ताद होंगे, उनके उस्ताद थे, यू कैन ट्रेस इट टू नानक जी। तो वो इट वाजंट अ लाइव परंपरा। So it in that sense the modern Dastan Goi is a revival, but it's more of a reinvention of the art form. It was not two people performing together. It was just one Dastan Goi. Now it has kind of become together. 15 साल में ये दास्तानें इसका काफला बढ़ता गया, लोग में जुड़ते गए, और अब तकरीबन हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, कनाडा में, अलग अलग जगहों पे जो है लोग जो हैं वो दास्तानें सुना रहे हैं। और उसके बाद कुछ 9 साल दास्तानें परफॉर्म करने के बाद कुछ 1.5 साल का वक्फा आया, जब मैं थिएटर और सिनेमा की तरफ चला गया। और जब मैं 1.5 साल के बाद वापस आया तो मैं किस्सेबाजी पर आया, तो मैंने सोचा कि सिर्फ उर्दू जबान में कहानियाँ क्यों सुनाई जाएँ, क्योंकि जबान तो हमारे मुल्क में हर तरफ मार खा रही है ना। जो एक अर्बन कल्चर हो गया है और एक विजुअल कल्चर हो गया है कि जहाँ हम चीज़ें देखते ज़्यादा हैं पढ़ते कम हैं, तो वहाँ पे हम अपनी ज़बान बहुत कम पढ़ते हैं। रीडरशिप इन आर ओन लैंग्वेज इज़ डिक्लाइनिंग रैपिडली। अंग्रेजी तो लोग फिर भी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, आप नेट पे पढ़ रहे हैं, आप फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, बट अगर किताब नहीं भी पढ़ रहे हैं तो यू आर स्टिल कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ मटीरियल ऑन नेट एंड विजुअली ऑन योर टेलीफोन स्क्रीन और थ्रू न्यूज़पेपर और थ्रू मैगजीन्स, बट अपनी ज़बान तो लोग और भी कम पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम अपनी जबान से के सारी जितनी भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जबानें हैं उनसे अगर हम कहानियां निकालें और उनको तैयार करके एक अच्छे एंटरटेनिंग तरीके से स्टेज पे पेश करें तो सुनने में दिक्कत कम आती है, पढ़ने में दिक्कत ज्यादा आती है, लेकिन सुनने में आपको जो है सेंसेस पे कम बार आता है। तो मैंने कहा अगर हम अच्छे से कहानियों को परफॉर्म करें तो लोगों को सुनने में बहुत मजा आएगा। तो वहां से किस्सेबाजी का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ 2016 में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है मुंबई में, उनका सेंटर स्टेज थिएटर फेस्टिवल होता है, वहाँ पे मैंने इसको प्रीमियर किया। और तब हमने मल्टीलिंगुअल कहानी सुनाना शुरू किया तो ये एक जहमत आई कि भाई अगर आप हिंदी में करें, अंग्रेजी में, उर्दू में करें तो ज़रा ज़्यादा तादाद इस मुल्क में जबान समझ पाती है, लेकिन अगर आप संस्कृत में कहानी सुना रहे हैं, मलयालम में कहानी सुना रहे हैं, उड़िया में कहानी सुना रहे हैं, तो किस तरह से हम दर्शक तक पहुँचाएं। तो मैंने वहां पे ये कहा कि भाई हम कहानी को बाइलिंगुअल सुनाएंगे, और बाइलिंगुअल सुनाते वक्त ये ऐसा नहीं होगा कि पहले हमने ओरिजिनल जबान में सुनाया फिर हमने ट्रांसलेशन सुनाया। मैंने कहा जैसे हम अपनी आम जिंदगी में बाइलिंगुअल हैं, पॉलीलिंगुअल हैं, तो हम दो तीन जबानें एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस वक्त मैं बोलते बोलते इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम परफॉर्मेंस नहीं रुकेगी, परफॉर्मेंस चलती रहेगी, हम जबान शिफ्ट करते रहेंगे जैसे गियर शिफ्ट करते हैं। और उसमें मैंने ये तय किया कि जो डिस्क्रिप्शन है वो ओरिजिनल जबान में होगा, और जो प्लॉट पॉइंट्स है कि भाई आदमी यहाँ गया, फिर इससे मिला, फिर वहाँ पे कुछ और हुआ, फिर उसके साथ कुछ और कारनामा हुआ, वो प्लॉट पॉइंट्स जो हैं हम ब्रिज लैंग्वेज, जो कि हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी परफॉर्मर्स केपेबिलिटी, उसमें रखेंगे। तो उसमें और उसके अलावा मैंने एक फ्रीडम और दे दी, क्योंकि दास्तान गोई में क्या है कि आप स्टेज पे बंधे हुए हैं और आप बेसिकली अपना अपर टोर्सो और आवाज और हाथ और चेहरे के हाव भाव से कहानी सुना रहे हैं। मैंने यहाँ पे उसको आर्टिस्ट को स्टेज से फ्री कर दिया, मैंने कहा आप चाहे तो डांस करके सुनाइए, आप चाहे तो गा के सुनाइए, आप चाहे तो कोई साज इस्तेमाल करके सुनाइए। तो अब जैसे मेरी एक दोस्त हैं पद्मा दामोदरन, उन्होंने मलयालम में कहानी सुनाई, मलयालम और इंग्लिश में, तो उन्होंने मोहिनी अट्टम का इस्तेमाल किया कहानी सुनाते सुनाते, और उनके साथ एक परकशनिस्ट जो है वो जैम्बे और तबले पे बैठा हुआ था। उसी तरह जैसे सात्विक मेरे मित्र, उन्होंने संस्कृत में कहानी सुनाई और हिंदी में कहानी सुनाई, तो वो तबला भी बजाते हैं, तो उन्होंने कहानी तबला बजाते बजाते संस्कृत और हिंदी दोनों में जो है नाट्य शास्त्र का पहला चैप्टर जो है उन्होंने सुनाया, बहुत अच्छा मजेदार लिख के। फिर उसी तरह जैसे पंजाबी में हमारे दोस्त हैं मनु सिकंदर ढींगरा, तो उन्होंने जो है पंजाबी में हीर रांझा का किस्सा सुनाया, और साथ में जो है एक परकशनिस्ट बैठा हुआ है, तो पंजाबी और उर्दू में उन्होंने वो किस्सा सुनाया।
तो इसी तरह जो है, तो मैंने ये जो हमने जो इनोवेशन किया कि डिस्क्रिप्शंस कैन बी टोल्ड इन द ओरिजिनल लैंग्वेज एंड द प्लॉट पॉइंट्स कैन बी टोल्ड इन द ब्रिज लैंग्वेज, तो उससे फायदा ये हो गया कि आपको ओरिजिनल जबान सुनने का भी मजा आ गया और आपको कहानी भी समझ में आ गई। और अगर आपको दोनों जबानें समझ में आती हैं तो आपको फिर पूरे ही आनंद है, सोने में सुहागा है आपके। पर अगर आपको एक जबान नहीं भी आती है, मान लीजिए आपको मलयालम नहीं आती है या बंगला नहीं आती है, तो उसमें आप बिल्कुल खाली ऑडियंस से, ऑडिटोरियम से बाहर नहीं जाएंगे कि मुझे कुछ मिला नहीं। आपको एटलीस्ट कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या कहानी थी, बयान की गई थी, और आपको जो म्यूजिक है ओरिजिनल लैंग्वेज की वो भी सुनने को मिलेगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया तो ये बहुत मकबूल हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया, और अब तकरीबन हम किस्सेबाजी जो है अलग अलग शहरों में जा चुके हैं, मुल्कों में जा चुके हैं, और आई हैव बीन इनवाइटेड टू यू नो सम प्रेस्टिजियस प्लेसेस लाइक हार्वर्ड, लाइक कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यू नो लाइक मैगिल यूनिवर्सिटी, तो टू काइंड ऑफ परफॉर्म। मिशिगन में भी, एंड आर्बर में भी कर चुके हैं आप? जी हां, मिशिगन एंड आर्बर में, और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में, और अभी लॉकडाउन हो गया, नहीं तो मैं प्रिंसटन में भी एक लेक्चर देने वाला था। तो लोगों को पसंद आ रहा है ये एक्सपेरिमेंट, एंड पीपल वांट टू हियर इट। एंड मेरा ये मकसद है कि मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क अनेक रंगों से भरा हुआ है भाई, मतलब इतने अलग अलग मुख्तलिफ कल्चर हैं हमारे मुल्क में, ये बहुत खुशनसीबी है हमारे मुल्क की। इतना वेरीड कल्चर्स एक ही जमीन में, एक ही मुल्क में मिलना मुश्किल होता है। मतलब आपने तो मुझसे ज्यादा दुनिया भ्रमण की है, आप अलग अलग मुल्कों में गए हैं, आपको दो चार तीन अलग, तीन चार पांच स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे कल्चर के, लेकिन जितने स्ट्रैंड्स कल्चर के मुख्तलिफ अलग अलग हिंदुस्तान में मिलते हैं वो कमाल की चीज है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ फीस्ट फॉर कल्चरल हिस्टोरियन, क्या क्या है यहाँ पे। ये हाँ, स्टैंड आप मुझे दिखा रहे हैं, इतना ज्यादा घुमाओ तेरे से बिल्कुल, और जितनी आपके दाढ़ी में स्टैंड है कल्चरल स्टैंड होंगे यहाँ पे हिंदुस्तान में। तो मुझे ये लगा अगर हम किसी भी तरह से हो सके ये अपने मुल्क की जो है अलग अलग जबानों से कहानियां निकाल कर तैयार करके उनको मंच पे पेश कर सकें, तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी हमारे मुल्क, और लोगों को हम ये पहुंचा पाएंगे। अभी तक देखिए हमारे पास कोई पेट्रियंस नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, ना प्राइवेट ना स्टेट, और उससे क्योंकि किसी का मुझे जूता नहीं उठाना है, किसी को मुझे जवाबदेही नहीं देनी है। ये है कि अगर ज्यादा जराए होते, रिसोर्सेज होते, तो मैं और काम कर सकता था, लेकिन ये है कि पिछले 3 साल में हमने संस्कृत, मलयालम, मराठी, बंगला, पंजाबी, मारवाड़ी, हरियाणवी, हिंदी, उर्दू, तकरीबन 9 जबानों में हम अलग अलग कहानियां सुना चुके हैं। और मेरी यही ख्वाहिश है कि एक्टर्स जो हैं अलग अलग जगह से आए, अपनी जबानें और अपनी जबानों की कहानियां, अपने कल्चर की कहानियां लेकर आए, और उसको जो है हम उस पर काम करें और लोगों को पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि कितना विट, कितना ह्यूमर, कितना ओरिजिनल फ्रेश आइडिया हमारे अपने मुल्क के अंदर है, हमारी अपनी तहजीब के अंदर है। मतलब हमें कहीं और जाके कुछ और शेक्सपियर या कुछ और अडेप्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ इतना खजाना पड़ा है, जखीरा है यहाँ पे कहानियों का, मतलब कथा सरित सागर इस मुल्क में पैदा हुई है। तो ये हमारी कोशिश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब मुझे बड़ी खुशी है कि एक तो जैसे मैं बहुत देर से लड़ता आया हूँ, झगड़ता आया हूँ कि एक इम्पोजिशन ऑफ लैंग्वेज या कल्चर जो है, मैं वर्नैकुलर के हक में हूँ, उसकी जितने रंग हैं, जितने ह्यूज एंड कलर्स हैं, उसको उसके हक में हूँ। जैसे कुछ दिन पहले मैंने जिक्र किया कि जब पंजाबी 10वीं तक लागू की गई आज से 12 साल पहले के करीब, तो जो मंत्री थे उस वक्त एजुकेशन के पंजाब के, वो मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए थे उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, उनके घर सब लोग बैठे थे हम, तो वो कहें जी अगले दिन फिर यूनैनिमसली पास हुआ कि 10वीं तक लागू की जाए पंजाबी सरकारी स्कूलों में। लेकिन उस दिन पूछने लगे जी जब प्रस्ताव, हाँ जी ये होना है, तो मुझे भी पूछने, मंत्री ने पूछा कि आप भी कुछ कहें पंजाबी के बारे में, आपका क्या ख्याल है भाई जी। मैं मुख्यमंत्री के बाएं हाथ ही बैठा था, बिठाया गया था, तो मैंने कहा जी एज ए पंजाबी मैं हक में हूँ कि आप पंजाबी लागू करें जी सद के, और एज ए गुरसिख नहीं हूँ। वो भड़क गए सारे, क्योंकि SGPC के और श्रोमणी अकाली दल के बड़े लोग बैठे थे, वो गुस्से हो गए, मतलब मुंह लाल हो गए उनके, कहे भी किए मुझे इज्जत प्यार तो करते थे, और गुस्सा सबको चढ़ गया कि ये क्या बात कह दी। तो
मैंने यूं कहा कि मैंने कहा ऐसे पंजाबी होने के नाते पंजाबी की मैं बात कर सकता हूँ, वो बात अलग है कि कौन सी वाली पंजाबी है, जो लहंदे पंजाब की पंजाबी है या माझे की पंजाबी है या दुआबे की पंजाबी है, किथे चले हैं भाई, किथे जान रहे हैं भाई, वगैरह वगैरह डायलेक्ट, या मालवे की पंजाबी है, और जैसे धीरे धीरे आते हुए हरियाणा में, हरियाणवी आज तो अलग प्रांत बना दिया पर हिस्टोरिकली तो अलग नहीं है, पंजाब का हिस्सा है, पूर्व हमारा जो पूर्वी राग है वो वृंदावन का तट है, यमुना का जो पंजाब का पूर्वी हद है वो पूर्वी, वहाँ की जब बसंत हमारी वहाँ की वो पूर्व है पंजाब का, तो ये लोग भूल गए, उनको मालूम ही नहीं कि पूर्वी होता आया कहाँ से। तो कहने का भाव वो जो शेड्स है, जैसे जैसे फिर ब्रज बनती है, फिर आगे जाकर मैथिली मगही तक जाता है, एक शेड्स बनते हैं। तो मैंने कहा कि पहले तो पंजाबी कौन सी लागू होगी, शहरी पंजाबी, आप क्या मालवे के लोगों को, आप कौन सी पंजाब अकादमिक जो पंजाबी आपने नहीं बनाई है, जिसको ज्यादा संस्कृताइज किया है, आप लहंदे पंजाब में चले हैं लकीन के, उसको उन्होंने उर्दूआइज या अरबिसाइज या जो भी किया यहाँ पे संस्कृताइज किया, तो मैंने कहा पंजाबी तो बेचारी रह गई ना बीच में, कौन से। और फिर मैंने कहा कि पहले तो पंजाबी लागू, कौन सी पंजाबी पहली बात, पर ऐसे गुरसिख जो आप सारे गुस्से हो रहे हैं, लाल मुंह किए हैं आपने सुझा लिए, मैं ऐसे गुरसिख तो 24 लैंग्वेजेस और 120 डायलेक्ट्स का वारिस हूं गुरु ग्रंथ में, तो मैं ऐसे गुरसिख सिर्फ पंजाबी की बात क्यों करूं। बाबा फरीद जो कि सबसे पहले पंजाबी के ऑथर जाने जाने हुए, जिनके बारे में सबसे ओल्डेस्ट वर्क्स हैं, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जना, या हाथ ना लाई किसुंबड़े जल जासी टोला, दूधा थनी ना आवी फिर होए ना मेला, कहे फरीद सहेलियो सौ आल आए सी वगैरह। और अगर हम गुरु नानक की बात करें, आरती गा रहे हैं, गगन मैथाल रविचंद दीपक मन तार कमंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल वन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनाथा शबद वाजंत भेरी, सहस तव नयनन न नयन है तोहे को, सहस मूर्तिन ना एक तो ही, सहस पद बिबलन ना एक पद गंध बिर, सहस तव गंध विचलत मोही, सब मह ज्योति ज्योति है सोए, तिसके चानन सब मह चानन होए, गुरसाखी ज्योति प्रकट होए, ज्योतिष भाव है सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंतिन मोहे आहि प्यासा, कृपा जल देहु नानक सारंग को होए, जाते तेरे नाय वासा। ये मैथिली है, पंजाबी तो है नहीं, उसको आज पंजाबी करके बोल रहे हैं। तो अगर आप बाबा भगत नामदेव जी की बात करें तो वो गाते हैं अरबी में, गा रहे हैं फारसी में, गाते हैं कि हम अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है धारा, करीमा रहीमा अल्लाह दो गनी, हाजरा जूर दर बेस तू मनी, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। अब ये कहां, ये बाबा नामदेव भगत नामदेव गा रहे हैं, उनकी तिलक में ओरिजिनल है। भाविए कि हमें विरासत देखिए गुरु नानक की पॉलिटिक्स कह ले कि एक जिल्द में उन्होंने साबित कर दिया कि जो इल्हाम है वो एक भाषा का मोहताज नहीं है। आपकी भाषा इतनी सी है छोटी, आपको इल्हाम हो सकता है, आपको ज्ञान हो सकता है, आपकी आपका दिमाग रोशन हो सकता है, आप फैज प्राप्त कर सकते हैं। आपकी भाषा इतनी बड़ी है तो भी परमात्मा तो एक, जैसे कहें एक बूंद की भी बूंद में जर्रे में समा जाता है, इतना छोटा भी हो जाता है वो। तो ये आई थिंक जो आपका जो काम है, जो आप नौ भाषाएं बता रहे हैं, मैं तो बहुत ही मतलब गदगद हुआ हूँ जब से मुझे पता लगा था कि आप मल्टी यू नो लैंग्वेजेस का आपने सेवा कर रहे हैं, आप इस तरह से कहानीकारी को। और मैं चाहूँगा कि जो हमारी बात सुने और आज सुन रहे हैं और भी सुनेंगे, जो यंगस्टर्स हैं थिएटर के साथ शौक रखते हैं, जिनको जुबान के साथ शौक है, अपने अपने इलाके, देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अब केरला में जाकर किसी एक गांव की खास परंपरा की तो सेवा नहीं कर सकता, मैं जहाँ जन्मा मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अपने इलाके में करूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो जो जहाँ जहाँ बैठे हैं वो दानिश जी से जुड़ें, इनके जो किसेवासी की ट्रेडिशन है इनके साथ मिलकर कुछ करें, और हमें हमारे वतन के जो तमाम रंग हैं, भाखावी रंग, कहानीकारी के स्टोरीज हैं, जो गाथाएँ हैं, उनसे हमें अमीर बनाएं। यार इतने कंगाल हो गए हम, पखपात में इतने सुगढ़ गए, मानसिक और रूहानी कवच लिए बैठे रहते हैं हम लोग। सही बात है, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और यही मैं कहता हूँ कि
जो रंग है वो इतने रंग है हमारे मुल्क में, और हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें खानों में नहीं बटना चाहिए, हमें अपनी नजर को जो है ब्लिंकर नहीं करना चाहिए, हमें वी शुड नॉट काइंड ऑफ लिमिट आवरसेल्व्स, वी शुड ओपन आवरसेल्व्स। और जैसा आपने कहा, क्योंकि भाई जबान का खेल तो क्या है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले वाणी, तो वो वाला चक्कर है। तो भाई हर चार कोस पे वाणी जो है वो बदलती जा रही है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इतनी जबानें हैं और इतने डायलेक्ट्स हैं और सब में इतना मिश्रण है कि जब आप सुनते हैं तो आपके कान में घुलने लग जाता है, और उसको खोना नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि इन जबानों को जहां तक हो सके हम लोगों को पहुंचा सकें। और इसी बीच में जो आप कह रहे थे वो मुझे अल्लाह रखा बाबा की स्क्रिप्ट मिल गई, तो मैं अच्छा, वो जो मैं बैंड द ग्रेटफुल डेड, दैट्स द बैंड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो थोड़ा सा मैं आपको स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाता हूँ। फिर तो साहब दरवाजे खुल गए। बडी रिच, कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जैज ड्रमर्स ऑफ ऑल टाइम, ने उस्ताद अल्लाह रखा के साथ कोलैबोरेट किया। उन्होंने अपने एल्बम का नाम रखा बडी आला रखा। कंसिडर्ड एज अ पाथ ब्रेकिंग एल्बम, अ काइंड ऑफ फर्स्ट परकशन एल्बम, एंड पेव द वे फॉर द ऑल टाइम ग्रेट प्लैनेट ऑफ द ड्रम्स। उसके बारे में आगे बात करेंगे। मिकी हार्ट द ग्रेटफुल डेड के ड्रमर, उन्होंने जब पहली बार उस्ताद अल्लाह रखा का एल्बम सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं आया कि इतनी ताले एक आदमी बजा रहा है। अपने एक इंटरव्यू में पीटर लेवजोली को बताते हैं कि कई जमाने तक वो एल्बम का कवर गौर से पढ़ते रहे कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्ड कंपनी दूसरे पर्कशनिस्ट का नाम डालना भूल गई है। खैर, किसी तरह से उन्हें यकीन आया। जब उनकी मुलाकात उस्ताद अल्लाह रखा से हुई तो कहते हैं, हम एक दूसरे की जबान नहीं समझ पा रहे थे पर रिदम समझते थे। चार दिन ये लोग न्यूयॉर्क के एक होटल में बंद रहे और रिदम गेम्स खेलते रहे। एक तरह से मिकी हार्ट का इंट्रोडक्शन हो रहा था पॉली रिदम से। मिकी हार्ट कहते हैं, हम दोनों अलग अलग रिदम साइकिल्स बजाते थे लेकिन वन यानी सम पर एक साथ पहुंचते थे। सम रिदम साइकिल की पहली और आखिरी बीट को कहते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा हमेशा कहते थे सम को पकड़ के चलो। मिकी हार्ट कहते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा ने मुझे सिखाया कि वक्त को कैसे दो तालों के बीच बांटा जा सकता है, और फिर जब हमने अपने अपने अलग वक्त के पहिए पे सवार उसी सम पर साथ पहुंचने की कोशिश की तो ऐसा लगता था कि जैसे वीराने में बाहर आ गई है, जैसे जमीन से जिंदगी फूट गई है, जैसे फैज साहब की जबान में बीमार को बेवजह करार आ जाए। मिकी हार्ट इस सेशन के बाद दौड़ते हुए अपने बैंड के पास पहुंचे और द ग्रेटफुल डेड का पूरा बैंड रिदम गेम्स खेलने लगा। एंड दिस वॉज द जेनेसिस ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग द 11 बाय द ग्रेटफुल डेड। मिकी हार्ट सेज, अल्लाह रखा इज द आइंस्टाइन, द पिकासो, इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिदमिक डेवलपमेंट ऑन दिस प्लैनेट। तो ये आर्ट और द ग्रेटफुल डेड बैंड था, एंड द सॉन्ग व्हिच द जेनेसिस वाज द दिस रिदम गेम्स दैट उस्ताद अल्लाह रखा एंड मिकी हार्ट एंड हिज बैंड मेंबर्स प्लेड एट द न्यूयॉर्क होटल। And that was the genesis of this iconic song, the 11. तो ये मैं बताना चाह रहा था। दो तीन बातें हैं उसमें। एक तो सम जो है उसको कहने की फिगर ऑफ स्पीच ही है। हम उसको जब एक और अंदाज है उसको कहने का कि वो वक्त होता है एक आवर्तन में जो ना जहाँ पे ना आवर्तन को कह सकता है कि खत्म हुआ ना शुरू हुआ। करेक्ट। वो मुकाम है जो जैसे आखिरी बीट फॉर एग्जांपल कुछ वो चल रहा है, जैसे कहें कि लम्हा शुरू होता है जहां से शुरू होता है पर अंत नहीं होता। इट्स समथिंग वेरी। और दूसरा ये ब्लडी का कहा, यू नो एक राज बता रहा हूं जो बहुत पहली बारी पब्लिक हो रहा है। मेरा जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है इट्स कॉल्ड ब्लडी फूल्स ग्रुप सिंस 97। पहली बार बता रहा हूँ, सब लोग लड़ेंगे, मेरे शागिर्द जो है पूरी दुनिया में बैठे। तो हमारा सीक्रेट ग्रुप भी है वो ब्लडी फूल्स ग्रुप कहलाता है। मेरे शिष्य ब्लडी फूल्स ग्रुप का बैंड है हमारा ब्लडी फूल्स। एक ये अच्छा फैज साहब से की तुमने याद की, उनके बारे में कुछ बताओ। और अच्छा इससे पहले फैज साहब की तरफ जाए, एक मिनट मैं टेक माई वर्ड, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज की बात कहें, मुझे पता लगा है कि तुम अंग्रेजी में भी थोड़ा शौक रखते हो लिखने का, कुछ कविताएं लिखी कभी कथा, अगर कुछ याद आ जाए तो सुना दो कुछ हमारे जो अंग्रेज या मतलब बर्तानिया की महारानी के जो रिश्तेदार बैठे होंगे हमारे सुनने वालों में से, उनका भी राजा राजी हो जाएगा थोड़ा सा।
अंग्रेजी में, अच्छा, तो ये एक है, अ बंदिश ऑन सितार, द फेडिंग नोट्स ऑन सितार सेट एन अंड्यूलेटिंग रिदम इन माई चेस्ट, द फेडिंग नोट्स ऑन सितार सेट एन अंड्यूलेटिंग रिदम इन माई चेस्ट, आई सी योर फेस एंड माई ब्रेथ इंट्वाइन मेल्ट स्लाइड, इंट्वाइन मेल्ट स्लाइड, एंड देन द कॉर्ड स्ट्राइक्स राइस। क्या बात है। और एक आध मैं आपको और सुनाता हूं भाई। क्या है कि अच्छा कलाम आदमी लिख लिख कम पाता है, लेकिन एक गौर कीजिएगा कि आधा सुनने की हमें आदत नहीं, हम पूरा ही सुनते हैं। होली पोएम, बहुत छोटी सी पोएम है। I have become a walking meer poem. I have become a walking meer poem, your one color painting multiple hues, a holy moment ad infinitum. और एक मैं नज्म ढूंढना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। There are places, इसका नाम है रिफ्यूज। There are places in our heads where we draw blinds, snuggle like in the arms of a former lover. और एक और छोटी सी, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन छोटी छोटी नज्में हैं। हाल में कुछ नज्में लिखी हैं, वो मेरे ख्याल से फोन में हैं, वो मैं आपको। अब मेरा मसला क्या है ना सर, कि मैं अपनी नज्म याद नहीं रख पाता हूँ। अभी आप मुझसे फैज सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं अभी आपको सुना देता हूँ खड़े खड़े। वो भी सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। पहले हम चाह रहे थे, लालच में था दरअसल मुझे ये ना, ये शिकायत करने वाले कि आप अंग्रेजी में लिखते हो, ये भी मदन भाई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप जनाब अंग्रेजी में भी माशाल्लाह लिखते हो, तो मैं इसीलिए थोड़ा व्याकुल हो गया। मैंने कहा सुनना चाहिए फिर तो। इसका इसका उन्वान है, द सीक्रेट ऑफ राइटिंग अ पोएम। जस्ट बिफोर दे स्लिप्ड स्नक फिट इन टू द मेट्रिक लाइन्स ऑफ अ पोएम, ईच वर्ड साइड योर नेम। भाई देखिए, बगैर माशूक के तो काम नहीं बन सकता है, और बगैर मानियत के काम नहीं बन सकता है, जब तक कि माशूक का नाम न ले और आशिक जो है मुश्किलात से ना गुजरे, नज्म नहीं बन सकती है। इसका क्या नाम है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब तक आप सुना रहे हैं, मैं सुना दूं एक आधी। जी सर बिल्कुल। अंग्रेजी में मेरा भी दखल जो है, मतलब जिसे कहें कि जब पाप करना होता है, जी, तो मैं उसको, मैं जो कहें कि फिर मैं अंग्रेजी में कर लेता हूँ। वो बात अलग है कि मुझे पंजाबी भी अच्छी नहीं आती है, वो बात अलग है। ये राग ए नोट इसका लिरिक था, राग ए नोट एंड वीणा। जी, राग इज नॉट ए नोट, राग लिव्स इन ए नोट, राग लिव्स बिटवीन द नोट्स, वीणा ए फ्रेट हैज ए मियर नोट, लाइक विंडर्स इन एंड अराउंड मदर अर्थ रागस ड्वेल, मेक योर फिंगर्स द डांसर्स इज रागस फ्रेग्रेंस इज सो मायरिड, singer is seen, song is not, raag naad lay is not, dancer is seen, dance is not, wow. poet is seen, that which a poem contains is not, grieving is seen, grief is not,
फकीर इज सीन, फकीरी इज नॉट. बात है वर्ड्स, वर्ड्स ए मियर क्रूसिबल एग्जिस्ट्स सोली टू कंटेन अर्थ. फ्लाइट इज सीन नॉट. बात वन मियरली विटनेसेस द टेम्पल डांस पोएट्री सॉन्ग डू अकर बट इन द इनर सैंक्टम. म्यूजिक, और आखिरी फिक्रा है कि म्यूजिक इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट स्वेइंग फ्रॉम सागर ओशन टू गागर पिक्चर टू सागर लाइक फ्रॉम वॉटर वेपर क्लाउड्स एंड देन बाउंड एज इफ ए कंपोजिशन ईच सेड टू तालाज वेरी मैनी रिवर्स वेव्स ए सिप एक कोट द कंपोजर द कंपोज द कंफ्यूज ऑल वन फॉर इट इज आफ्टर ऑल म्यूजिक. वाह क्या बात है, क्या बात है, म्यूजिक. 2012 की है ये, पता नहीं है, दिख गई मैंने कैसे. आप ढूंढ रहे थे तो मैं भी ढूंढने लग गया, सामने आ गई. गुस्ताखी माफ, मैं कभी नहीं हूँ भैया, बस यूं. बहुत उम्दा. तो मैं आपको एक नून मीम राशिद साहब की नज्म सुनाता हूँ, उसका उनवान है. नून मीम राशिद साहब बहुत बड़े शायर थे. ही इज कंसिडर्ड लाइक अ फादर ऑफ मॉडर्न उर्दू पोएट्री एंड ही वॉज एबल टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मॉडर्न इमेजिनेशन इन टू उर्दू पोएट्री. तो उनकी एक नज्म है तमन्ना के तार. तमन्ना के जोलीदा तार, जोलीदा मीन्स इंटेंगल्ड. तमन्ना के जोलीदा तार गिरा दर गिरा हैं तमन्ना के नादीदा तार. सितारों से उतरे हैं कुछ लोग रात, सितारों से उतरे हैं कुछ लोग रात. वो कहते हैं अपनी तमन्ना के जोलीदा तारों को सुलझाओ, सुलझाओ अपनी तमन्ना के जोलीदा तार, सितारों की किरणों के मानिन सुलझाओ. रह जाए इस बबादा सितारों से बरसे वो तीर, ये रह जाए बाकी तमन्ना न तार. तमन्ना के जोलीदा तार सितारों से उतरे हुए राहगीर कहे नूर ही नूर उनका खमीर, तमन्ना से वाकिफ नहीं ना उन पर आया तमन्ना के तारों की जोलीदगी ही का राज. तमन्ना हमारे जहां की, हमारे जहां की मताए अजीज द ग्रेटेस्ट वेल्थ. तमन्ना हमारे जहां की मताए अजीज, मगर ये सितारों से उतरे हुए लोग सर रिश्ते नागुजीरे अबद में असीर, सर रिश्ते नागुजीरे अबद में असीर, लाइक प्रिजनर्स टू एन इटर्निटी दैट कैन नॉट बी कैंसल्ड. मगर सितारों से उतरे हुए ये लोग सर रिश्ते नागुजीरे अबद में असीर, हम उनसे कहते हैं ऐ अहले मरीख, जाने वो किन किन सितारों से हैं. अदब से खुशामत से कहते हैं ए मोहतरम अहले मरीख, क्या तुम नहीं देखते इन तमन्ना के जोलीदा तारों के रंग. मगर उनको शायद के रंगों से फुर्सत नहीं, रगबत नहीं, के रंगों के उनको फरासत नहीं है. रंगों के बारे में उनका ख्याल और उनका महवो विसाल, उनका फिराको विसाल. और बड़ी सादगी से हम ये कहते हैं मोहतरम अहले मरीख, देखे नहीं कभी तुमने जोलीदा बाहों के रंग, मोहब्बत में सरखुश निगाहों के रंग, गुनाहों के रंग. कमाल की पोएम है यार, तमन्ना मताए अजीज, इट्स द ग्रेटेस्ट वेल्थ, डिजायर इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ आवर वर्ल्ड. क्या बात. तो मैं आपको आपकी नज्म सुनाता हूं. कोई आशिक किसी महबूबा से,
ये नज्म का उन्वान है। एक गुलशन याद में गराज दमे बाद सबा, फिर से चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो। उम्र रफ्ता कि किसी ताक पर बिसरा हुआ दर्द, फिर से चाहे कि फिरोजा हो तो हो जाने दो। जैसे बेगाने से अब मिलते हो, जैसे बेगाने से अब मिलते हो वैसे ही सही। आओ दो चार घड़ी मेरे मुकाबिल बैठो, घर चिमिल बैठेंगे हम तुम, तो मुलाकात के बाद अपना एहसास ज़ियां, सेंस ऑफ लॉस और ज्यादा होगा। हम सुखन होंगे हम दोनों, तो हर बात के बीच अनकही बात का महूम सा पर्दा होगा, इनविजिबल सा एक पर्दा होगा। सुखन होंगे हम दोनों, तो हर बात के बीच अनकही बात का महूम सा पर्दा होगा। कोई इकरार न मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें, कोई मजमून वफा का न जफा का होगा। गर्द अय्याम की तहरीर को धोने के लिए तुमसे गोया हूं, जो दमे दीद मेरी पलकें, तुम जो चाहो तो सुनो और जो ना चाहो ना सुनो। और जो हर्फ करें मुझसे गुरेजा आंखें, तुम जो चाहो तो कहो और जो ना चाहो ना कहो। क्या बात है, आप उसी पर मैं आप एक गालिब की गजल सुना देता हूँ। सदुल्ला खान गालिब भाई, वो खुदाए सुखन है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुय्यन है, फिक्स्ड है। मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूं सवाबे तात व जहद, जानता हूं सवाबे तात व जहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। है कुछ बात ऐसी जो चुपूं, है कुछ बात ऐसी जो चुपूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। अब क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज कर नहीं आती। दाग दिल गर नजर नहीं आता, बू भी ऐ चारा गर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हम मरते हैं आरजू में मरने की, मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। और काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वाह क्या बात है, क्या गालिब थे। और कौन याद आ रहे हैं? फैज साहब कैसे याद करते हैं? फैज साहब वैसे तो याद बहुत हैं। अब अफजाल अहमद सैयद साहब की मैं एक नज्म सुना, आखिरी दलील, द अल्टीमेट एविडेंस और द फाइनल प्रूफ, के तुम्हारी मोहब्बत अब पहले से ज्यादा इंसाफ चाहती, तुम्हारी मोहब्बत अब पहले से ज्यादा इंसाफ चाहती है। सुबह बारिश हो रही थी जो तुम्हें उदास कर देती है। उस मंजर को लाजवाल बनने का हक था। जस्ट बिकॉज आप उदास हो जाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि उस मोमेंट को ब्लूम होने का राइट नहीं। उस मंजर को लाजवाल बनने का हक था। उस खिड़की को सब्जे की तरफ खोलते हुए तुम्हें एक मुहासरे में आए हुए दिल की याद नहीं आई। एक गुमनाम पुल पर तुमने अपने आप से मजबूत लहजे में कहा,
मुझे अकेले रहना है। मोहब्बत को तुमने हैरत ज़दा कर देने वाली खुशकिस्मती नहीं समझा। मेरी किस्मत जहाज रानी के कारखाने में नहीं बनी, फिर भी मैंने समंदर के फासले तय किए, पुर असरार तौर पर खुद को जिंदा रखा और बेरहमी से शायरी की। मेरे पास एक मोहब्बत करने वाले की तमाम खामियां। आई हैव ऑल द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अ लवर। मेरे पास एक मोहब्बत करने वाले की तमाम खामियां और आखिरी दलील है। क्या बात है, मेरे पास मोहब्बत करने वाले की हर खामियां और खामियां, गुनाह, गुनाह भी कुछ और चीज होती है ना। कहना कि आपने क्या नहीं देखे ना, बाहों के रंग मोहब्बत में, सरखुश निगाहों के रंग गुनाहों के रंग, गुनाहों के रंग। क्या बात क्या। तो की जाते जाते कुछ मैं कहानी सुना दूं। बिल्कुल, मैं अर्ज करने लगा था कि क्या करें। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूं, मैं आपको अमीर हमजा की दास्तान से, और उसके बाद मैं आपको दुनिया की आखिरी कहानी सुनाता हूं, और उसके बाद हम खुदा हाफिज करते हैं अपने दर्शकगण को। तो अमीर हमजा की दास्तान में अमीर हमजा जो हैं वो अमीर बातौकीर साहिब कराम बड़े बड़े जादूगरों से, बादशाहों से मुकाबला कर रहे हैं जो अपने आप को खुदा कहते हैं या खुदाई का दावा रखते हैं। अब साहब दास्तान जहां शुरू हुई है वहां ये हुआ है कि एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसका नाम जमुर्रत शाह बाख्तरी उर्फ खुदावंद लका है। 80 गज का उसका कद है, 60 गज की उसकी दाढ़ी है, दाढ़ी के हर एक बाल में उसने मोती पिरो रखे हैं। जहां जाता है अपने आप को खुदावंद वो डिक्लेयर कर देता है, वहां के छुटभैया जादूगर जो हैं उसकी मदद करने लगते हैं। अमीर हमजा को खबर मिलती है, वो पहुंचते हैं, वो जंग करते हैं, उसको हराते हैं, वहां से अपना मुंह पिटा के निकलता है, कहीं और जाता है, वो फिर वहां खुदाई का दावा करता है, फिर वो छुटभैये जो है वहां पहुंच के उसकी मदद करते हैं। यही सिलसिला 46,000 और आप तक पेजेस तक चलता रहता है। अब जहां दास्तान खुल रही है वहां कोहे अकीक, माउंटेन ऑफ अगेट, अगेट पत्थर जो होता है उसका एक माउंटेन है, कोहे अकीक के ऊपर लका और अमीर हमजा के बीच में जंग चल रही है। तो लका जो है वो जंग जब हारने लग जाता है तो आसपास के बादशाहों को खत लिखता है कि भाई मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ और ये मैं वैसे तो हार नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैं हार रहा हूँ, तुम मेरी अब मदद के लिए मेरे पास लोगों को भेजो। तो एक जो है वो खत अफरासियाब के पास जाता है। अफरासियाब तिलिस्म में होशरुबा का बादशाह है। तिलिस्म में होशरुबा वो तिलिस्मी दुनिया है जो आपके होश उड़ा दे। तो अफरासियाब को जब खत मिलता है तो वो क्या करता है कि लका की मदद करने लगता है, अपनी फौज और अपने असलहे लका को भेजने लगता है। तो अमीर हमजा के पोते जो हैं वो होशरुबा में दाखिल होते हैं अफरासियाब को शिकस्त देने के लिए। लेकिन अफरासियाब क्या करता है कि जादू से अमीर हमजा के पोते को कैद करके वो तहखाने में डाल देता है। अब जब वो उनको तहखाने में डाल देता है तो अमीर हमजा के बचपन के दोस्त अमर अय्यार, जो अय्यारों के बादशाह हैं, अय्यार एक ट्रिक्स्टर होता है, एक बहरूपिया होता है, उसको जादू नहीं आता लेकिन भेस बदलकर मक्कारी करके वो अपने मकसद को हासिल कर लेता है। तो अमर अय्यार जो अय्यारों के बादशाह हैं अपने 4 शागिर्दों के साथ वो दाखिल हुए हैं तिलिस्म होशरुबा में असद गाजी अमीर हमजा के पोते को छुड़वाने के लिए और अफरासियाब जो होशरुबा का बादशाह है उसको शिकस्त देने के लिए। तो यहाँ पे दास्तान शुरू होती है, मैं यहाँ से दास्तान शुरू कर रहा हूँ। ये मैंने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको रखा कि आप समझ जाएं ये कौन लोग हैं। तो दास्तान शुरू करने से पहले रिवायत है साकीनामा यानी शराब पिलाने वाले की तारीफ में चंद अशार के, वो दारू पिला साकिये मैं परस्त, जो एक ही जाम में कर्द मस्त, बहाना न कर बादाखारों से तू, हवाले कर अब सागरे मुश्किबू, फिरे बड़ मास्ते हर तरफ, चले रिंद बनकारते हर तरफ, तेरे फैज से हूं मैं जादू कलाम, फुसूसाज मशहूर हो मेरा नाम, वो फिक्रे दू मैं जाहिदे खुश को, चले मैं कदे की तरफ मस्त हो, सिखा मुझको साकी वो अय्यारियां, करूं जाकर वायस से मक्कारियां, न हो हुरमते दुख्त रस का ख्याल, बने रिंद का कौल सहरे हलाल, जरा जा फिर मैं कदे को चलेओ, कि राहे तिलिस्मा दरियाफ्त हो, कि सुखन साजाने मानिए दिल फरेब,
و رموز کلام و رموز شناسان کلام بلہو ریب جادو بیانی سے تلسم ضمیر ترنگ اور تدبیر معجز نمایاں یوں فرماتے ہیں کہ جب ایار بے نظیر والا تدبیر ہنر پرور خواجہ عمر اور چار ان کے شاگرد تلسم ہوش ربا کی سرحد میں داخل ہوئے تو صورت جادوگر کی بنا کر علیحدہ علیحدہ چار طرف پھرنا شروع کیا مگر ایک دوسرے کا حال جویا رہا کہیں صحرائے سر سبز دیکھا تو کسی طرف دریائے زخار موج زن پایا پہاڑوں کی دانگ تلسم میں نئے نئے سوانگ بنگلے ساحروں کے بنے ہوئے چوکیاں جادوگروں کی بحکم افراسیاب بیٹھی ساحر سحر کرتے آگ و پتھر آسمان سے برستے غرض کے یہ کیفیت دیکھتے ہوئے ایار علیحدہ علیحدہ جو چلے جا رہے تھے اس میں سے امر ایار ایک صحرائے عجیب میں پہنچا کیا دیکھا کہ گھاس کے بدلے دور تک مکہ شوئی ہوئی ہے سارا جنگل چاندی کا ہے اب جو امر نے یہ منظر دیکھا تو دل سے خیال کیا امر جو ہے بڑا لالچی قسم کا آدمی ہے تو اس نے دل سے خیال کیا کہ ہائے ممکن ہوتا تو یہ سارا جنگل اٹھا کر اپنی زمبیل میں رکھ لیتا اب دیکھیں کیا امر ایار کو نا تحفے ملے ہوئے اس کو جادو نہیں آتا پر پیغمبروں سے بڑے بڑے صوفی سنتوں سے اس کو کچھ تحفے تحائف ملے ہیں اس میں ایک تحفہ ہے زمبیل جو دیکھنے میں چھوٹی سی ایک جو بٹوا ہوتا ہے نا آپ یہاں کمر میں باندھ کے چلتے ہیں وہ چھوٹا سا ایک بٹوا گٹھری ہے لیکن اگر اس بٹوے کی 84 گنڈیاں وہ کھول دے تو اس میں چھوٹی سے چھوٹی سوئی سے لے کر بڑے سے بڑا شہر سما سکتا ہے سات شہر آباد ہیں اس کے اندر سات شہر تو امر ایار کیا کرتا ہے کہ اس کو جو کچھ بھی ملتا ہے جہاں بھی اس کو اٹھا کے اس بٹوے میں اس زمبیل میں ڈال لیتا ہے اب جو اس نے پورا جنگل چاندی کا دیکھا تو اس نے اپنے دل سے خیال کیا آئے ممکن ہوتا تو یہ سارا جنگل اٹھا کر اپنی زمبیل میں رکھ لیتا کیا کروں کچھ بس نہیں تبھی دل میں خیال آیا کہ بیٹا ہنسیاں نکالو اور جہاں تک ہو سکے یہاں کی گھاس کاٹ لو اب اس نے زمبیل سے ہنسیاں نکالی اور جلدی 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 گھاس کاٹے جا رہا تھا ابھی تھوڑی ہی گھاس کاٹی تھی کہ آواز آئی باش اے دست مکار میں تیری ہی تلاش میں تھا امر نے اب جو گردن اوپر کی تو کیا دیکھا کہ ایک جادوگر سارا بدن اس کا چاندی کا سر کے بال مکیش کے آنکھ ناک منہ سر آنکھ ہر طرف سے شولے آگ کے نکلتے ہوئے کالے سانپ لپیٹے ہوئے تلوار ہاتھ میں لیے للکارتا چلا آتا ہے امر نے چاہا کہ اس کو دیکھ کر بھاگے مگر اس جادوگر نے ایسا کچھ سحر پڑا کہ پاؤں امر کے زمین میں چمٹ گئے آگے نہ جا سکا وہ ساحر تلوار کھینچ کر قریب آیا اور کہا کیوں بے تیرا ہی نام امر ایار ہے ارے بادشاہ فراسیاب تیری خبر مجھے پیشتر دے چکا ہے امر نے کہا بھیا ہم تو گھسیا رہے ہیں کون مصیبت کے مارے ہیں قسم خدا وند لقا کی نام ہی امر آج پہلی بار سنا ہے اس نے کہا چپ کر مجھ سے مکاری کرتا ہے ارے افراسیاب تیری خبر مجھے دے چکا ہے ابے بے وقوف میں نے تجھے گرفتار کرنے کے لیے جادو سے سحر سے یہ پورا جنگل چاندی کا بنایا اب تجھے پایا تیرا سر کاٹ کے لے جاؤں گا شہنشاہ سے انعام پاؤں گا ادھر تو یہ باتیں ہوتی تھیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی چار ان کے شاگرد بھی آئے ہیں ساتھ میں اندر تلسم ہوش ربا میں یاد ہے نا آپ کو وہ بات اب اس میں سے ایک شاگرد مہتر قران نے ایک جگہ بلندی پر سے یہ ماجرا دیکھا ارے ایک جادوگر استاد کا قتل کیا چاہتا ہے بس کچھ عیاری تجویز کی اور وہاں سے روانہ ہوئے ادھر اس ساحر کا نام ہے مقرن اس جادو ان قریب وہ امر ایار کو قتل کرنا چاہتا تھا کہ تبھی صدا آئی بھائی ذرا ٹھہرنا مقرن اس ٹھہر گیا پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک جادوگر کالے سانپ سر سے لپیٹے ہوئے مندرے کان میں پہنے ہوئے ترسول ہاتھ میں لیے اسباب سحر کا لیے للکارتا ہانفتا دوڑتا چلا آ رہا ہے مقرن اس جادوگر کو دیکھ کے رک گیا یہ ساحر قریب آیا اور اس نے کہا حضور جب تک اس چور سے مال میرا سارا مال نہ قبول کروا لیجئے اسے قتل نہ فرمائیے گا کم وقت میرے گھر سے سب سامان چرا کے لیے آیا اجی حضور سامان تو درکنار یہ دیکھیے یہ موتی اکیلا رہ گیا اس کی جوڑی کا یہ کم وقت چرا کے لیے آیا اور یہ کہہ کے ایک موتی برابر مرغی کے انڈے کے ناپ کا سمجھ رہے ہیں صاحب اتنا بڑا نکال کر اس کو دکھایا مقرن اس موتی کو دیکھتے ہی فریفتہ ہوا کہنے لگا میاں یہ تو بڑی نایاب چیز لائے ہو ذرا ہمیں بھی دکھاؤ قریب سے دیکھیں اس نے کہا حضور یہ تو کچھ نہیں ذرا اس موتی کو اپنے دہن کے قریب لائیے اور اسے منہ کی بھاپ دیجئے پھر اس کی چمک اور آب و تاب دیکھیے اس نے وہ موتی لیا
दहन के करीब लाया, मुंह की भाप देना शुरू किया, यकायक मोती फटा, उसमें से फुलझड़ी की तरह से धुआं निकला, धुआं मुकर्रनिस के मुंह नाक कान आंख के रास्ते से जाकर दिमाग में पेचीदा हुआ, मुकर्रनिस चक्कर खा के जमीन पे गिरा और बेहोश हुआ, और वो साहिर जो लेकर वो मोती आया था उसने नारा बुलंद किया, सरयू सै चू बादे बहारी, जहां सरंग दर खंजर गुजारी, ब मैदान अश्दर आतिश फशानम, मनम महतर किरा शेरे जियानम। ये कह के एक बुगदा जो उसके सर पे मारा, मुकर्रनिस का सर पाश पाश हो गया, हजार टुकड़े हो गए, बर्फबारी संग बारी होने लगी, वो सारा जंगल चांदी का मिट गया और लाख आवाजें आने लगी। अमर ने रिहाई पाई, उसने मेहतर तरा की अय्यारी की तारीफ की, मेहतर तरा ने कहा, हुजूर ये सब तो आप ही की तरबियत का असर है, कहिए इरादा क्या है, चलने का कष्ट किधर है। अमर ने कहा, बेटा अपनी अपनी रालो, वक्त पे आना, ये चवन्नी इनाम, चलो खुदा हाफिज। ये कह के अमर अय्यार एक तरफ गया, बरकरान दूसरी तरफ गया, मगर मुकर्रनिस जो मरा तो उसके सर से एक रंगीन दायर, एक रंगीन चिड़िया निकली, और अफसोस अफसोस कहती हुई बादशाह अफरासियाब के पास पहुंची। अब जब वो बादशाह अफरासियाब के पास पहुंची और उसने मुकर्रनिस के मरने की खबर दी, और बादशाह अफरासियाब को जो जलाल आया, तो बादशाह अफरासियाब ने क्या किया, ये जानने के लिए आपको किस्सेबाजी की अगली परफॉर्मेंस में आना पड़ेगा। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, सब लोग आएंगे। क्या बात, ये छोटा सा टुकड़ा क्या बात माशाल्लाह। सबसे आखिरी कहानी सुना देता हूँ, ये दुनिया की भाई बलदीप जी आखिरी कहानी है, इसके बाद कोई कहानी नहीं रची गई है। अगर कोई आपसे कहता है कि इसके बाद कहानी रची गई है, झूठ बोल रहा है, जूते लगाइए, बाहर निकाल दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पे यकीन करिए, ये दुनिया की सबसे आखिरी कहानी है जी, ये दुनिया की सबसे आखिरी कहानी मैं आपको बयान करता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गए तुम दानिश, कल ही मेरे को फकीर मिले थे, कह के आज के बाद अच्छा। किसी बात पे यकीन किया तो जूते पड़ेंगे। बस आप समझ लीजिए, सारे फकीरों का खेल यही है, आप आज से आप दोबारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह कल बनाए, आज थोड़ा आज नया रेजोल्यूशन बना लीजिए। ये दुनिया की फरमाए, एक राजा था जिसको रामकथा सुनने का बड़ा शौक था, है जी। अब रामकथा तो उतनी जितनी रामायण में, सही बात है ना। अब कोई भाई कितना भी कुछ कर ले, रामकथा खत्म हो जावे, राजा सुरदा हो जावे, उसके बेचारे का मुंह लटक जाए, को भवन में जाके बैठ जावे। अब एक दिन क्या हुआ कि मंत्री का दिमाग चल गया, आप तो जानते ही हैं मंत्री चला रहे हैं मुल्क को, है जी। तो मंत्री का दिमाग चल गया, मंत्री ने कहा, हुजूर आप ऐसा करिए, आप घोषणा कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, जो सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसको 1,00,000 सोने की अशर्फी इनाम। अब साहब मुनादी पिट गई, हर तरफ ढिंडोरा पिट गया, हाँ भाई सुनो सुनो सुनो, जो सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसको 1,00,000 सोने की अशर्फी इनाम। अब भैया जो ये ऐलान हुआ, जो मुनादी पिटी, तो यहां से वहां से हर तरफ से जो है, इधर से उधर से जो है, रामकथावाचक दरबार में पहुंचने लग गए। अब दरबार में रामकथावाचक पहुंचने लग गए, पर भैया कोई कैसे ही सुनावे, खड़ा होके लेट के टंग के सीधा होके उल्टा होके, पर रामकथा खत्म हो जावे, जूते मार के उसको बाहर निकाल दिया जावे। अब वही बनारस में एक ठग रहता था, तो उसने अपने जमूरे से कहा कि जमूरे बेटा पैसा कमाने का सबसे अच्छा मौका है। जमूरे ने कहा, जी उस्ताद बिल्कुल। और उसने जमूरे को लिया, महाराज के दरबार में आया, कहा महाराज ऐसी राम कथा लेके आया हूँ, आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन राम कथा खत्म नहीं होगी। अब राजा के कान खड़े हुए, कहले भैया ये कौन सा राम कथा वाचक आ गया भाई, यहाँ तो यहाँ से वहां से इधर से उधर से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से पूरब से दक्षिण से राम कथा वाचक आवे, और खड़े होके लेट के उल्टे होके टंके रो के गा के जूते खा के बाहर निकल गए। ये कह रहे हैं महाराज आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, राम कथा नहीं खत्म होगी। भैया कौन सी राम कथा है सुनाओ। कहले महाराज मेरी एक शर्त है, राम कथा सुनाने से पहले जो मैं बात कह रहा हूं उसको आप बड़े ध्यान से हमतन गोश होके सुनिए, बीच में कोई टोका टाकी नहीं होगी। महाराज ने कहा भाई ठीक है, तय हो गया, मुआहदा हो गया कि भाई जो बात पहले कही जा रही है कहानी से उसको बड़े ध्यान लगा के सुनना है और बीच में कोई टोका टाकी नहीं। अब जब सारा मुआहदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो उसने अपनी कहानी शुरू करी।
महाराज एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़ियाएं आ रही थी और कितनी चिड़ियाएं जा रही थी, और उस पेड़ के नीचे 20 पीपे थे जिसमें गेहूं रखा हुआ था, और बगल में उसके एक तालाब था। एक चिड़िया उठती हुई आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुका, तालाब में डुबकी लगाई, फुर उतर के उड़ गई। महाराज दूसरी चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुका, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज तीसरी चिड़िया आई, आपकी कक्ष आई, महारानी की पसंदीदा चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज चौथी चिड़िया आई, दुश्मन मुल्क से आई, लेकिन दुश्मन है तो क्या हुआ, चिड़िया तो चिड़िया है, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज पांचवी चिड़िया आई, नायाब चिड़िया आई, एक्सटिंक्ट चिड़िया आई, रेयर चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज छठी चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। अब भाई साहब यही खेल चल रही है, चिड़िया आ रही है, चिड़िया जा रही है, चिड़िया फुर 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 फुर, यही खेल चल रहा है। जब भाई जी 10-15 हजार चिड़िया उड़ गई, कितनी 15-20 हजार चिड़िया उड़ गई, तो मंत्री का दिमाग चला। उसने कहा महाराज ये तो कह रहा था कि राम कथा सुना रहा हूं, यहां तो खाली चिड़िया फुर फुर कर रही है, इससे पूछिए इसकी कहानी में राम कथा कहां है। महाराज की बात समझ में आई, कहले भाई थाम्बा थाम्बा होल्ड, ये बताओ कि तुम कह रहे थे तुम्हारी दास्तान में राम कथा है, यहाँ तो खाली चिड़िया फुरपुर कर रही है, राम कथा कहाँ है। उसने कहा महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहानी के शुरू में ये बात कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़िया आ रही थी और कितनी चिड़िया जा रही थी, और महाराज अयोध्या नगरी में तो श्री राम ही बसते हैं ना, अब तो कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। अब ये कहकर उसने कहा कि 13,356 चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ने लग गई। अब भाई सब फिर यही हो रहा है, चिड़िया उड़ रही है, फुर 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 फुर, ये हाल हो गया भाई जी चिड़िया उड़ने का कि दरबार में हर आदमी को सिर्फ चिड़िया नजर आ रही है। महाराज जा रहे हैं रसोई में तो उन्हें महाराज की जगह मुर्गा बैठा दिखाई दे रहा है, हरम में जा रहे हैं तो महारानी की जगह उनको मोर बैठा नजर आ रहा है, चिड़िया 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 फुर 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 फुर, यही सब चल रहा है पूरे दरबार में, हर आदमी बस चिड़िया ही दिख रही है। जब 70-80 हजार चिड़िया उड़ गई, 70-80 हजार, तो मंत्री का दिमाग फिर चला। इसने कहा महाराज इससे ये पूछिए कि इसकी कहानी में चिड़िया कितनी है। महाराज के दिमाग में ये बात आ गई, कहने भाई बात तो सही कह रहे हैं, अगर ये पता लग जावे चिड़िया कितनी है तो ये समझ में आ जाएगा कि दास्तान कहाँ खत्म हो रही है। कहने भाई थाम्बा होल्ड, ये बताओ कि तुम्हारी दास्तान में चिड़िया कितनी है। कहने महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहानी के शुरू में यह बात कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़ियां आ रही हैं और कितनी चिड़ियां जा रही हैं और कितनी चिड़ियां आ रही हैं और कितनी चिड़ियां जा रही हैं, ये तो महाराज श्री राम बता सकते हैं ना। 80,336 चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। अब भाई साहब यही खेल चल लिया, चिड़िया चिड़िया चिड़िया। अब तो बात जो है राजधानी से बाहर उड़ गई, पूरे मुल्क में ये बात फैल गई कि राजधानी में चिड़िया उड़ रही है लेकिन दिखाई नहीं देती किसी, ऐसी चिड़िया है कैसी चिड़िया है कोई नहीं जानता, बस चिड़िया उड़ रही है लेकिन जानता नहीं कोई क्या चिड़िया और कैसी चिड़िया, दिखाई नहीं देती। जब भाई साहब 3-4 लाख चिड़िया उड़ गई, 3-4 लाख चिड़िया उड़ गई, तो मंत्री का दिमाग फिर चला। कहने लगा महाराज इससे पूछिए वो पेड़ के नीचे पीपे कितने रखे जिसमें गेहूं पड़ा हुआ है। अरे सही भाई, पीपे तो उनकी तो गिनती है, वो तो पता लग जाएगा कहां खत्म होंगे। कहला भाई थाम्बा थाम्बा होल्ड, ये बताओ ये तुम्हारी कहानी में ये पीपल के पेड़ के नीचे पीपे कितने हैं। महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहानी के शुरू में यह बात कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़ियां आ रही थी और कितनी चिड़ियां जा रही थी, और उस पेड़ के नीचे 20 पीपे रखे हुए थे, और अभी तो महाराज पहला पीपा एक चौथाई खाली होया होगा। अब जो महाराज ने यह सुना तो कहा भैया इसे 1 लाख सोने की शर्फी इनाम में दे दो, हरी अनंता हरी कथा अनंता। वैसे आज भी चिड़िया उगाई जा रही उड़ाई जा रही यहाँ पे सियासत के नाम पे, चिड़िया ना दिखे है ना आवे है ना जावे है। चार्जर इसका चार्ज जा रहा है फोन का, तो मैं नहीं चाहता। और ये बीच में एब्रप्टली जिसे जिसे कहें कि अमेरिका में भी देख लो कितने ट्रिलियन डॉलर का उन्होंने बना लिया, पर जो गरीब आदमी है वहां पे उसके बाद तो चिड़िया ही आ रही है, वो कहानी वाली चिड़िया ही हाथ में आ रही है, बटेरे तो कोई और बटोर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत ही एकदम सही, आपसे कहें कि अफसोसन कहानी है। पर ये
जी कितनी संदर्भ में है, कितने इसे कहें कॉन्टेक्स्ट में है ये, जी क्या बात है। बात वो तो खेल यही है, वो इसीलिए एवरग्रीन रहती हैं। और बेसिकली आप देखिए वो 7-8-9 टेम्पलेट्स हैं कहानियों, और वही कहानियां अलग अलग रंग में जो है वो हर दौर में आती रहती हैं, उसमें उनका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, उनके कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, लेकिन जो प्लॉट लाइन है, जो उसका बेसिक इमोशनल थ्रेड है, वो वही रहता है। तो और वो कहानियां हमेशा रिलेवेंट रहती हैं। इसीलिए जो फोक टेल्स हैं वो इतनी पावरफुल क्यों हैं, या जो पुरानी जो मतलब जैसे आप जो कहानियां गुरु नानक की कहानियां सुनते हैं, या कबीरदास की कहानियां सुनते हैं, या अमीर खुसरो की कहानियां सुनते हैं, या सूफी पीर लोगों की कहानियां सुनते हैं, क्योंकि कहानी जो है उसमें जब आप कोई बात रख देते हैं तो वो सडनली ऐसा एक दर, एक दरवाजा, एक खिड़की खोल देता है आपके ऊपर कि जो आम बात में नहीं खुल सकती। अगर आपको बात सीधे तरीके से कह दी जाए या फैक्चुअल तरीके से ना कह दी जाए, वो बात नहीं खुल पाती है। लेकिन कहानी क्या करती है, वो आपका इमेजिनेशन ओपन कर देती है, और जब इमेजिनेशन ओपन कर देती है तो वो आपके लिए एक एक्सपीरियंशियल इवेंट हो जाता है। और हमेशा नॉलेज जो है वो बेस्ट आती है जब आप एक्सपीरियंस के थ्रू लेते हैं, जब आप खुद फर्स्ट हैंड जाके कोई चीज सीखते हैं, जब आप खुद जाके वहां बैठते हैं तो आपको वो चीज समझ में आती है। पर कहानी क्या करती है कि विदाउट मेकिंग यू फिजिकली गो देयर, इट क्रिएट्स एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर यू, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट विद द सेम फोर्स एज यू वुड अंडरस्टैंड एज इफ यू वर देयर बाय योरसेल्फ डूइंग इट बाय योरसेल्फ। तो इसलिए जो पावर है स्टोरी टेलिंग का, वो जो है वो टाइमलेस है, वो बदल नहीं सकता है। और वो जो कहानियां गढ़ दी गई हैं, आप जातक की कहानियां सुनते हैं, आप पंचतंत्र की कहानियां सुनते हैं, और वो जो उनका मॉरल एडेज है वो आज तक जो है वो रेलिवेंट है, क्योंकि द ह्यूमन सिस्टम, द ह्यूमन सोसाइटी, आप बेसिक इमोशंस हैव नॉट चेंज। मे हैव मेड थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स फॉर अस, बट एट अ मोर सिंपलर लेवल, एंड दिस इज वॉट द पेंडेमिक हैज डन, इट हैज मेड अस रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग इन आवर लाइव्स आर प्रीटी अननेसेसरी। एंड यू नो वन ऑफ द डेटा दैट्स कमिंग आउट राइट नाउ दैट द नॉन एसेंशियल बाइंग हैज गॉन डाउन in the world, but even with non-essential buying going down, you do not feel there is a disruption in your life, whereas you would have felt that when the pandemic was not there. But now when the pandemic is there and your non-essential buying has been curbed down, still you realize that there is no disruption, and a lot of people are realizing ki humne zindagi mein bahut clutter kar rakha tha. To isi tarah wo jo kahani ka power hai na, wo bhi timeless hai, aur wo jo hai wo kahin jaane wala nahi hai, wo baar baar aapke paas aayega, wo aap कुछ भी किसी भी माध्यम में चले जाएं, कैसी भी टेक्नोलॉजी तैयार कर लें, जब तक जबान जिंदा है, जब तक जबान एक माध्यम है बात करने का और अपनी बात पहुंचाने का, तब तक कहानी जिंदा है। टिल द टाइम वी डोंट डेवलप अ टेक्नोलॉजी की टेलीपैथी आ जाए, अब जब टेलीपैथी आ जाएगी फिर तो बात अलग है। वो मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे मन में जो बात है वो आपके मन में बात आई, उस पर मैं आपको एक वजह दान देता की कहानी सुना देता हूँ टेलीपैथी के ऊपर। कि साहब एक बुढ़िया थी, अब वो अकेली रहती थी, उसकी बेटी का ब्याह जो है दूर कुछ किसी गांव में हो गया था। तो बुढ़िया के एक दिन मन में ये बात आया कि बहुत दिन हो गए बेटी से मिले नहीं, चलो बेटी के ससुराल चलते हैं। तो बुढ़िया ने क्या किया कि साहब अपनी पोटली ली और उसके अंदर हलवा रोटी थोड़े से जेवरात खिलौना बताशा है नमकीन फल वल उसने कुछ रख के अपनी पोटली बांधी, और पोटली सर पे लेके वो निकल गई संध्याने की तरफ। अब वो संध्याने की तरफ चली जा रही थी, रास्ते में एक घुड़सवार आया, उसने देखा कि बुढ़िया जो है वो चली जा रही है, तो उसने कहा अरे माई कहाँ जा रही हो? उसने कहा क्या करें भैया, वो उधर बेटी का ससुराल है, वहां जा रहे हैं मिलने के वास्ते। कहला कि अरे माई इतनी धूप है, ऐसा करो कि तुम गठरी हमको दे दो, हम तुम्हारी गठरी जो है वो वहां पहुंचा देंगे, तुम हमें पता बता दो, हम वहां पहुंच जाएंगे, खड़े रहेंगे, और तुम वहां जब पहुंचना तो हम तुम्हें गठरी दे देंगे, है तो तुम्हें भी आसानी रहेगी। तो बुढ़िया ने कहा बेटवा अब तो गाँव सामने ही है, दिख रहा है लौकत है, तो ऐसा है कि अब छोड़ो, अब हम ले जाएंगे अपनी गठरी, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह के उसने घुड़सवार को तत कर दिया। अब घुड़सवार जब थोड़े आगे गया तो उसके मन में बात आई, अरे यार ये तो मैं मौका चूक गया, बुढ़िया ने जरूर जेवरात तोहफे तहाइफ रखे होंगे, अपनी बेटी से मिलने जा रही है, यही मौका अच्छा था, मैं उसकी गठरी लेके चंपत हो जाता। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ, बुढ़िया के पास वापस जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि गठरी मुझे दे दे, मैं घर तक पहुंचा दूंगा और शायद गुड़िया इस बार मान जाए। तो अब वो घुड़सवार के मन में ये बात आई कि इस बार गठरी लेकर उसकी चंपत हो जाऊंगा। वो वापस बुढ़िया के पास आया और बुढ़िया से कहा कि ए माई
अरे माई मैं आगे गया पर मुझे बहुत बुरा लगा कि तू ऐसे धूप में अकेले गठरी लेके चल रही है, बड़ी बड़ी जो है ना गिल्टी फीलिंग हुई, घृणा हुई अपने आप से। तो माई तू ऐसा कर, मुझ पे एक उपकार कर, अपनी गठरी मुझे दे दे, मैं लेकर तेरे ससुराल तेरे समधियाने के बाहर खड़ा रहूंगा, तू वहां पहुंच जाएगी, कम से कम जो मेरे ऊपर ये ऋण है, मेरे अंदर जो ये गिलानी है ये कम हो जाएगी। बुढ़िया ने जो ये बात सुनी तो मुस्कुराई और कही, जब तेरे मन में बात आई तो मेरे मन में भी आ गई, अब न देने वाली मैं तुझको गठरी। तो तेरे मन इस तो सो मेरे मन में भी आ गई, अब न देने वाली मैं तेरे को गठरी। क्या बात है। ऐसा है कि ये कहानी जो है एक दूसरे को सुनाते हैं, दूसरे एक सुनकार जैसे मैं हूं तुम्हारे सामने बैठा हूं जी जी, उसके अलावा कुछ लोग हम समझते हैं कि कुछ लोग जुड़े हुए हैं अभी भी, तकरीबन 38 लोग न जाने क्यों हमारी वार्ता सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। और ऐसी भी कहानी है, तुम्हें निजी तौर पे पूछ रहा हूँ कि कहानीकारी जो है, क्योंकि जुबान जब बोलती है वो अहद नहीं है, थक जाती है, गला बैठ जाता है, एक जी करता है कि चुप कर जाने का काम करता है, एक वक्त आता है इंसान थकता है जी। खाना भी खाता है तो भर जाता है, चाहे जितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, उसके बाद में फेवरेट खाना कोई जिक्र भी करे तो बंदा उगता है कि भाई अब खाने की भागदौड़ करो फिर करेंगे, अभी नहीं। तो कहानी दास्तान गोई या स्टोरी टेलिंग या इसमें कुछ ऐसे लम्हे आते हैं या आ चुके हैं जब सन्नाटा सा छाता है, या उसके संग अपने आप को जब कहानी आप सुनाते हो, जब एक कोई ऐसी कहानी जो अपने आप को सुनाते हो, जब आप कहानीकार भी हो, उसके दास्तान गो भी हो और श्रोता भी आप हो। देखिए पहली चीज तो ये कि भाई जी ताली दो हाथ से बजती है। कहानी तभी पूरी होती है जब कोई हुंकारा भरने वाला होता है, जब कोई सामने हूं कर रहा है तभी कहानी मुकम्मल हुई। खाली कहानीकार अकेला बैठा कहानी सुना रहा है उससे कहानी नहीं होती है, कहानी सामयीन से होती है, दर्शक गण से होती है, हुंकारा भरने वाले से होती है। अब ना उस तरह की कहानी सुनाने वाले रहे, ना उस तरह की कहानी सुनने वाले रहे। पहले सुनने में आता है कि रात रात भर दास्तानों की महफिल होती थी और सामयीन बैठते थे और सुनते थे और उसके बावजूद भी उनका दिल नहीं भरता था, लेकिन अब उस तरह का दौर नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है हमारे पास। 5 मिनट में कॉन्सर्ट के अंदर लोगों के फोन निकल आते हैं, वो चेक करने लगते हैं फोन, अटेंशन स्पैन लोगों के कम हो गए हैं। तो उस तरह के ना सुनाने वाले रह गए हैं ना सामयीन रह गए हैं। लेकिन जहाँ तक जो आपने बात कही कि अपने आप से जहाँ दास्तान सुनाना, और आप खुद ही श्रोता हैं और आप खुद ही दास्तान सुना रहे हैं, तो भाई हर आदमी आत्ममुग्ध है, हम सब आत्ममुग्ध हैं, हम सब अपने आप से हमेशा खुश रहते हैं और हम सब की दास्तान अपने आप से हमेशा चलती रहती है। हमारे जहन में ख्याली पलाव बनते रहते हैं, हमारे जहन में तस्वीरें उभरती रहती हैं, हम हर वक्त किसी अच्छे दिन की तमन्ना में जी रहे होते हैं और हर वक्त कोई ऐसे माजी ऐसे पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं जहाँ पे कुछ बेहतर हमारे साथ गुजरा था। तो या तो हम गुजरे हुए माजी को पास्ट को वापस उजागर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, या किसी एक अच्छे दिन के ख्वाब देख रहे होते हैं और मुसलसल एक दास्तान अपने आप को सुना रहे होते हैं। तो वो तो हम सबके साथ होता है, वो मेरे साथ भी होता है, वो आपके साथ भी होता है। हमारा हमारी जो गुफ्तगू अपने आप से है वो बंद नहीं होती है, और शायद यही ध्यान लगाना है, शायद यही समर्पित करना है अपने आप को, शायद यही त्याग है कि जहाँ आप अपने आप से जो ये गुफ्तगू है वो बंद कर दें और अपने आप को चैनलाइज करें, फोकस करें, ध्यान करें कहीं और, किसी हायर मार्जिन पर्पस के लिए, किसी हायर एग्जिस्टेंस के लिए। दो बातें आ जाती हैं दानिश के, एक तो है जो ख्याल आते हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, पर आई थिंक जो आइडिया ऑफ स्टोरी टेलिंग है, जैसे बड़ी रचनाएं हैं, मुझे वार्ता श्रोता की बात कम कर रहे हैं, सुनकार की बात कर रहे हैं, जैसे मन है, जैसे गुरु अमरदास जी याद आ रहे हैं कि वो अपने शरीर से बात कर रहे हैं, जैसे बाबा फरीद हैं जैसे कौवे से बात कर रहे हैं, कोयल से बात कर रहे हैं,
तो गुरु अमरदास कह रहे हैं कि ए नेत्रो मेरे वो हरि बिन अवर न देखो को, अपनी आंखों से बात कर रहे हैं, ए रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास न जाए, ए सरुणो मेरे हो हरि सुनना नो पठाए, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हो हरि नाले, हरि नाल रहो हो तू मन मेरे दुख सब सार ना, अंगीकार हो करे करे मन से मना रहे हैं उससे, तो ए रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास न जाए। तो एक शरीर की बात है, फिर मन से तो काफी बड़ी रचना मतलब वार्ता है। सो वेर आई थिंक कि जो दास्तान गोई का जो दिखता है कि वो ख्वाब लेना या ख्याल आने उससे नहीं जुड़ती, क्योंकि दास्तान गोई आपकी बहुत ही लिटरेचर के साथ, मतलब कुछ बात हो रही है, कुछ कहा जा रहा है, कुछ सुनाया जा रहा है। उसमें जैसे पंजाबी का पुराना मुहावरा है कि तीए गल कर नुए कन कर, यानी कि अपनी बेटी को, जो सास का व्यंग है इसमें, वो अपनी बेटी को कह रही है और सुना रही है अपनी बहू को, इनडायरेक्ट बात हो रही है। तो आप कहानीकारी में वो बात होती है कि कह कुछ रहे हैं, व्यंग कुछ कस रहे हैं, उसका दृष्टांत कुछ होता है, उसका दाद दृष्टांत कुछ और होता है। तो मेरे ख्याल से जो मन में जो अपने अपने बात से जो बिगड़ा हुआ है, जो बिगाड़ है, जिसको आप जैसे आपने कहा कि हायर पर्पस की तरफ जाना चाहिए, कुछ बेटर होना चाहिए, उसके अंदर जो कन्वर्सेशन है उसकी भी एक तवारीख रही है कि अपने मन से वार्ता करनी, कि मन को सिंगार करना, सिंगार कराना, उसका उसका उसके विकारों का नाश करना, उसको मनाना, उसको कजोल करना, और ज्ञान से बांधना उसको, कि गुरु साहब कहते हैं ज्ञान का बद्धा मन रहे गुरुबिन ज्ञान ना होए। तो उसमें मेरा उसकी तरफ इशारा था कि क्योंकि जो आपका जो जितनी बातें आपने सुनाई उसमें सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी किसी कोई पर्पस दिखा मुझे, उसमें कुछ बात हो रही है, कुछ झिझोड़ा जा रहा है किसी को, ड्रामा है उसमें, निचोड़ा जा रहा है उसको, धोबी की तरह जैसे धो रहा है, पटका पटका कर मार रहा है उस मैले लिबास, इस लीड़े को जो कपड़ा है, मुझे भगत नामदेव याद आ रहे हैं ना। सो कहने का भाव उसमें, फिर कबीर भी हैं, जुलाहा है जो वीव कर रहे हैं कुछ, धन्ना है जो हल वा रहे हैं, जो मिट्टी में अपने अंतःकरण जो मिट्टी है उसको उपजाऊ कर रहे हैं, हल हल प्लाव कर रहे हैं उसमें। सो उसमें जैसे गुरु नानक कहते हैं कि अमल कर धरती बीज शब्दों कर सच की आप नित दे पानी, हुए किसान ईमान जमाए लय भीषत दो जग मूढ़े एव जानी, के मूर्ख तू बातों से मत जान सो गली पाया, बातों से नहीं पाएगा तो सौ को माल के माना रूप की शोभा, इतनी जन्म गवाया। तो डांट की तान जैसे है कि अमल कर अपनी जो अंदर की जो मिट्टी है उसको उपजाऊ कर, जो हम जो आजकल व्यंग कसते हमारी जो लड़ाई रहती है अमन के हक में, जब बोलते हैं हमें शरारती अंसर कह दिया जाता है, हम अगर मोहब्बत की बात करें, प्यार की बात करें, हमें हम पे शक किया जाता है कि हम वफादार नहीं हैं लोग इंसानियत के। तो ऐसा इतना गिर चुका है जो मामला, तो उसमें मुझे लगता है कि जो अंदर का जो हल चलने वाला है उसमें जो वीडिंग आउट होने की बात है, तो वो दो किस्म की कहानियां हैं, जो अंदर की जो कहानी सुनने वाला है या सुनाने वाला है वो शायद कम हो गया है। इतनी बड़ी रिवायत, जैसे मैंने बड़ों की कुछ कॉल मैंने आपसे साझे किए कि कितनी बड़ी रिवायत रही मन से वार्ता करने की, आज तो चापलूसों की है, कि जो जैसे आपने वो बहुत ही मेरे लिए आपने वो भेजा वो जो सेक्शन, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि नवरत्नों की बात की आपने अकबर के वक्त में, चापलूसों की बात की, उसको कहना कि आपका सब कुछ मतलब खांसी से लेकर पाद तक सब कुछ कबूल है और वाह वाह है। तो उसमें आप क्या समझते हैं, आप एक कहानीकारी आई थिंक दैट हैज डाइड इन अ वे टू टॉक टू योर माइंड, कि अपने कीनोरी सगल सिंगार तजियोरी सगल विकार, कि अपने मैंने सर्वत्र जो सिंगार है मन के तन के रूह के वो कर लिए, और तजियोरी सगल विकार, वो जो अपने आप को बेहतर करने की दरवेश फरसी से अरशी बना देने की जो चर्चा थी या जो डिस्कोर्स था, अपना मथन करने की जो बात थी, दूसरे को उपदेश करने की बजाय अपने आप कुछ करना, वो खत्म सा हो गया लगता है। उसकी मैं मतलब यही कह सकता हूँ कि भाई दुनिया बाहर बहुत स्कैटल कर गई है हमारे
पहले हमने जो है खुद इतने कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन क्रिएट कर दी है और बहुत सी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस अपने लिए पैदा कर दी है, और वही पेंडेमिक में हमको नजर आ रहा है कि क्या जो हमने इतना कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन अपने लिए क्रिएट किया, क्या हमें रियली में उसकी जरूरत है? बाकी स्पीशीज को तो जरूरत नहीं है, वो तो अपना एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो तो बहुत बेसिक नेचुरल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या जो हमने ये जो ताना बाना बुना है अपने आसपास, क्या हमको एक्चुअल में उसकी जरूरत है या नहीं है? ये क्या है, ये द होल आइडिया ऑफ नोबिलिटी, वाइस, वर्चूज, व्हाट वी हैव क्रिएटेड, लॉज ऑफ द लैंड, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, आई मीन कितना माने हैं इन चीजों में, और क्या जरूरत है इन चीजों की, और किसको जरूरत है इन चीजों की? क्या हम जमीन पे खुद सबसे बड़े बार बन गए हैं? क्या हम वायरस हैं जिसको खत्म करने के लिए वायरस आया है? तो ये सोचने की बात है, क्योंकि आई थिंक इट इज अ टाइम व्हेन वी नीड टू एक्चुअली सिट डाउन एंड रीइमेजिन द टेम्पलेट, रीइमेजिन द पैराडाइम। आई डोंट थिंक द वे द वर्ल्ड वाज एंड द वे वी वर एग्जिस्टिंग प्री पेंडेमिक वी शुड कंटिन्यू बीइंग अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज पेंडेमिक इज सिस्टमैटिकली an offshoot, a byproduct of what civilization has been. और ये जो कहानी जो है अपने आप से वार्ता करना, वो कहीं खो गया है इसमें, क्योंकि अब सब कुछ हो गया है कि मैं औरों को एक ढिंडोरा पीट के बताऊं तो कुछ इतना सा भी हो जाता है तो फिर उसको इतना करके और सामने पेश कर दो तो जो उसकी गहराई है, सच बड़ा बनाल होता है, सच बहुत उसके अंदर कुछ सच जो सच कह रहा हूँ झूठ जो होता है बहुत बनाल होता है, झूठ जो होता है उसके अंदर कुछ खास उसमें होता नहीं है, वो सीधा चलता है, सच होता है जो तह के अंदर आपको डूबना पड़ता है कि आपको सच मिले। भाई आप झूठ देख लें, झूठ का क्या इमेजिनेशन है? कोई इमेजिनेशन नहीं है। आप इट्स द सेम टेम्पलेट, चाहे वो आज के फासिस्ट हों और तानाशाह हों, डिक्टेटर्स हों, चाहे वो 100 साल पुराने फासिस्ट थे, तानाशाह थे, चाहे वो मिडिवल टाइम्स में थे, दे ऑल आर यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स फॉर ऑप्रेसिंग पीपल। झूठ उसी तरह से फैला रहे हैं, तो झूठ के पास इमेजिनेशन नहीं होता है, वो बनाल होता है, लेकिन सच कॉम्प्लेक्स होता है, तय तय होता है, लेयर्स दर लेयर्स होती हैं, और उसमें डाइव करना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है, तब जाके कहीं हीरा निकलता है, कहीं मोती निकलता है, और वो डाइव करने के लिए कुछ हमें क्रिएट करना पड़ेगा वक्त अपने आप के लिए। वो जो ये जो एक दुनिया है जहाँ पे हम सिर्फ नुमाइश कर रहे हैं और इश्तिहार कर रहे हैं और इसलिए सिर्फ चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे जरा हटना पड़ेगा, और जो थोड़ा जो है वो कहीं हम लोगों को जाना पड़ेगा ऐसी ऐसी दुनिया में जहाँ हम अपने आप ध्यान लगा सके, वक्त लगा सके, तह में जा सके, क्रिएट पड़ेगी। बिल्कुल, ये आई थिंक जो प्रोडक्शन प्रॉफिट मॉन्गरिंग जो है, प्रॉफिटियरिंग का जो यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो दूषीकरण या मंडीकरण या उसका सियासीकरण हुआ है कि कितने बड़े बड़े लेबल्स हैं, फैशन के भी ले लें, बहुत कीमती वस्त्र बनाए जाते हैं, वो उसकी कीमत जैसे गोल्ड को बरकरार रखा जाता है, उसको कीमत को बरकरार रखने के लिए हर साल अगले साल नया फैशन लाना, तो वो तबाह कर दिए जाते हैं, यानी कि बांट दो क्योंकि उसकी कीमत गिर जाएगी। तो जितना वेस्टफुल, हमें मना दिया गया कि भैया अगर आप इसको रोकेंगे तो इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, अगर हम इतनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। अब देखिए इस कीटाणु ने सबको सबके घुटने टेक दिए, कहाँ गई इकोनॉमी, कहाँ गया। हमें जरूरत है इस तरह की जिंदगी की जहाँ हम पे एक प्रेशर बना हुआ है हर 6 महीने पे कुछ नया क्रिएट करने का, कुछ लाने का, क्यों? तो आई थिंक ये वक्त है सोचने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, रिट्रोस्पेक्शन के लिए, और अपने गरिबान में झांकने का कि कितनी इन सब चीजों की जरूरत है हमें या नहीं। थैंक यू सो मच दानिश। मैं एक्चुअली निजामी भाई जो है कवाली, वो हमने 9 बजे शुरू करना था, 1 घंटा लेट है अब और इनफैक्ट मैं सबको जिक्र करूं कि अभी कल को रघु राय जी से बात होगी, उनका फोन आ रहा है, मैं फोन ले लूं। हाँ जी हुजूर जी, मैं तो आड़ी फोटो दिखा रहा हूं, तो आड़ी आवाज सारे नु सुन रही, मैं स्पीकर से लाया देखो ऑलरेडी। हाँ जी, मैं हुणे तुसी आए हो तो थोड़ा मैं फोन लगाता, देखो मैं फोटो लाती, थोड़ा पोस्टर इस वेले लाइव स्ट्रीम हो रहा है। अच्छा
हाँ जी 5 बजे कल शाम ही। हाँ जी मैं लाइव से हैगा, दानिश होना नाल गल चलती पई है, मैं तुहानू तुसी मैनू टेक्स्ट कर लेना, दसो हुक्म करो। नहीं हुक्म नहीं, मैं ये कह रहा सी कि इंट्रोडक्शन है होनी चाहिए कि कहंदे ने इन्नियां बोतलां मिस्की हैं, इन्नियां बोतलां ऐसी हैं टोटल मिला के इन्होंने 44 कुर्सियां में फोटो कर मैं गल करता हूँ। लेट मी से गुड बाइस टू एवरीबॉडी दैट आई हैव टॉक्ड टू यू। सो कल को रघु जी गॉट सच ए फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर, सच ए फन एल्डर, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव पंडित रविशंकर उपाध्याय टुमारो नाइट आफ्टर दैट। So, of course, now we have Nizami Brothers and they, we listen to some Qawwali now. Ab main unko karunga. Mera toh jee kar raha tha, itni baatein hai karne wali, itna kuch sunne wala hai. Par khair, wo toh na aapka jee bharega sunakar, na hamara jee bharega sunkar. But I'm so grateful to you ke aap aaye, aapne sama nikala. Aapka janamdin hai, aapko hum sab ki taraf se ek baar fir mubarak. Thank you so much. और thank you so much. पता है कि आप अपनी आपकी बहन बहुत तंग है, वो चाह रही है कि आप कब दफा हो वहाँ से, और ये भी सुनने को आया कि आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती ही है। जी जी, वो बहन तो बहुत मोहब्बत के साथ, वो तो बहुत खुश हैं कि इतने बचपन के बाद ऐसा मौका मिला है कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए उनके साथ हूँ, और मेरी बेटी भी यहाँ पे है, और माशाल्लाह जी वो मुझसे बेहतर आर्टिस्ट है, बहुत शानदार गाती है। और ये बाप कहता है अपने बच्चे के बारे में, तुम भी कह लो जी। और मैं यही कहूंगा भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए इस बैठक में, ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है, मुझे बहुत मजा आया। उम्मीद करता हूँ जो हमारे श्रोतागण हैं, जो दर्शकगण हैं, जो सामयीन हैं, उनको भी उतना ही मजा आया, और मुझे तो बहुत भाई जी से बातें सीखने को मिली और सुनने को मिली और अपनी बातें रखने को मिला। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस ये कहूंगा कि आप बने रहिए, आप कव्वाली सुनिए, कल दो अगेन बहुत बड़े आर्टिस्ट आने वाले हैं, उनकी बातें सुनिए, और लॉकडाउन में इससे बेहतर क्या है कि हम अपने विरासत को जो है थोड़ा थोड़ा टटोले और उसके बारे में जाने। मकसद यही है कि आमतौर पर लोग कमोडिफिकेशन देख लेते हैं, प्रोडक्ट को देख लेते हैं, जो उसके पीछे जो मशक्कत होती है, जो सोच फिक्र होता है, उससे इंसान आजकल वो डिस्कोर्स मिसिंग डिस्कोर्स है, जो आजकल भाग दौड़ इतनी है कि लोगों के पास समय नहीं है एक दूसरे के लिए, वो प्रोडक्ट देखते हैं, उसकी उसकी रेलेवेंस देखते हैं, उसका कि मेरे लिए मेरे को क्या फायदा है इससे, क्यों सुनूं, क्या करूं। देखने भी जाते हैं तो देखा देखी के लिए कि अच्छा भी कहीं पूछ लेगा कि हाँ भी फैशन में तो देखना चाहिए, दानिश हुसैन अच्छा आया, सुनना पड़ेगा, पर उसके पीछे क्या है मशक्कत, जैसे आपने कहा कि जितने आर्टिस्ट हैं उनकी सपोर्ट सिस्टम कैसे होगा, काम करने को इतने हैं पर वो कैसे होगा, उसके लिए वो जो पेट्रोनेज है मिलकर आपको भी साथ ही चाहिए, हर काम को साथ ही चाहिए। जब तक बिल बांट के एज रिस्पॉन्सिबल अटेंडीज हम नहीं होंगे, जिम्मेवार नागरिक, तो हम अपनी जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, हेरिटेज है, जो सूक्ष्म और अबोध विरासत है, वो खोने जाएंगे, जैसे एक्सटिंक्ट हो रही हैं चीज़ें, पंछी पौधे जीव जंत मर रहे हैं, हम कत्ल कर रहे हैं उनका, और सबसे पहले हम अपनी अमीरी का कत्ल, हम कंगाल बनते जा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि लिफाफे अच्छे हैं हम, लिबास अच्छे, हाँ। कोई 50,000 रुपए का एक घघरा पहना होगा, कोई 4 लाख का जूता पहना होगा, 10 लाख की घड़ी पहनी होगी, पर वो लिफाफे हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। करेक्ट। सो ये जो बातें आप कर रहे हैं उससे वो अंदर की अमीरी है, लिफाफे के अंदर वसत की बात है कि वो बस रोशन हो, पड़ी हो। एनीवे, थैंक यू सो वेरी मच दानिश, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप साथ जुड़े। मेरे पास अक्षर नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपने समा दिया। इस नोट पे हम खुदा हाफिज करते हैं, एंड निजामी ब्रदर्स को अब ज्यादा नहीं लोग जी। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। सो फ्रेंड्स, आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू मे बी इन अबाउट 30 मिनट्स और 28 मिनट्स। आई हैव हैड टू डिले माय यू नो बैठक विद निजामी ब्रदर्स by 90 minutes now. I'll have to apologize to them. They've been ready and ready to come. But anyway, they are just wonderful. Eat something. Meantime, 30 minutes I'll give you. And I want to see you back at 10:30.
India time. It should be 10 o'clock in Pakistan, and you calculate wherever you are accordingly. Goodbye. Just for 30 minutes. Lots of love with a pinch of hate to you all.